मैं सबसे पहले आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरी बातचीत के लिए यहां मुझे मौका दिया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पिछले कुछ वर्षों से एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेरे व्याख्यान के शुरू में ही कह दूं कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा, इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत जानता नहीं। ये सारी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड होता है, उसके बारे में बहुत गहराई से मेरा अध्ययन नहीं है। लेकिन एक ईमानदार विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है सारी दुनिया। पिछले कुछ वर्षों से ये शब्द बहुत चर्चा में है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह वगैरह, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में भी मैं देखता हूं यही ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। यूरोप के देशों में भी, कई देशों में सुनता हूं, खासकर पुर्तगाल जैसे देशों में जो बहुत गरीब हैं, उनके देशों में भी यही शब्द है। साउथ ईस्ट एशिया में भी देख रहा हूं कि इसी तरह के शब्द हैं चर्चा में, और सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने है सोवियत संघ का, तथाकथित सोवियत संघ का। यहां भी ग्लोबलाइजेशन चला था 1986 में। वहां जब ग्लोबलाइजेशन चला था तो शब्द था ग्लास और पेरेस्ट्रोय, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोय का माने लिबरलाइजेशन। तो उनके यहां भी चला और हमारे यहां भी चल रहा है। तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या हुआ और हमारे यहां क्या हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। लैटिन अमेरिका के देशों में ग्लोबलाइजेशन हमारे यहां से 20 साल पहले शुरू हुआ है। 70s के बाद से लैटिन अमेरिका के कई देशों में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और 80s में आते आते बहुत जोर पकड़ गया। ये ग्लोबलाइजेशन का जो एक पैकेज है, एक तरह का प्रेस्क्रिप्शन है, ये अगर वहां की सरकारों ने अपने इंट्यूशन से तैयार किया होता तो समझ में आता। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पैकेज जो है डिक्टेटेड है। ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो पैकेज है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के कुछ लोग हैं, और वहां कुछ एक लॉबी है, कुछ अर्थशास्त्रियों का एक तरह का स्कूल है, एक तरह के थॉट्स हैं, वहां से निकला हुआ ये पैकेज है। तो वहां क्या होता है, कुछ खास तरह की चीजें हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन आप कब करेंगे और कब आप ग्लोबलाइज नहीं है। मैं कभी कभी हंसता हूं अपने आप पे कि शायद 91 के पहले हम ग्लोबल नहीं थे, आफ्टर 91 हम ग्लोबल हो गए। तो ग्लोबल कैसे हो गए, हमने हमारी करेंसी का डिवेल्युएशन करवा लिया। मनमोहन सिंह साहब आए, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की करेंसी का डिवेल्युएशन होना चाहिए। तो एक दिन किया, फिर दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट आया कि बस बहुत हो गया, अब नहीं करने वाले। तीसरे दिन फिर कर दिया। माने ये एक अजीब सी बात है कि एक बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के कैलिबर का एक दिन कहता है 2 जुलाई को कि मैं कुछ करूंगा, 12-13%, इससे ज्यादा नहीं करने वाला। 3 जुलाई को अखबार में स्टेटमेंट आता है कि 12-13% से ज्यादा नहीं होने वाला। फिर 4 जुलाई को पता चला कि 23% हो गया। तो ये डायरेक्ट हुआ, और इनडायरेक्ट जो चला अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 30-35% से ऊपर चला गया उसी समय में 91 में। तो पहले जब हमने डिवेल्युएशन नहीं किया था तो शायद हम ग्लोबल नहीं थे, जब हमने डिवेल्युएशन कर दिया तो हम ग्लोबल हो गए। फिर एक दूसरा उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया कि अभी आप और ज्यादा ग्लोबल होने वाले हैं तब जब आप इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म करिए अपने। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दिए तो मान लिया कि और ज्यादा ग्लोबल हो गए। तीसरी बात आई प्रेस्क्रिप्शन में कि आप अपने जो सोशल एक्सपेंडिचर हैं उनको लगातार कम करते चले जाइए। सरकार को सोशल एक्सपेंडिचर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एजुकेशन पे पैसा खर्च कम करना करिए, हेल्थ पे कम करिए, हाइजीन की प्रॉब्लम कम करिए, सैनिटेशन पे पैसा खर्च मत करिए, वगैरह वगैरह। तो वो लगातार खत्म होता चला गया, तो हमने मान लिया कि हाँ हम और ग्लोबलाइज होते चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया, मनमोहन सिंह का मैंने लेक्चर सुना, उन्होंने कहा कि अभी और ग्लोबल होने के लिए हमको फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हिंदुस्तान में खुलकर आने देना चाहिए, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस देश में ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं होगा। तो वो भी कर दिया हमने।
तो विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए हिंदुस्तान का दरवाजा खुल गया, सट्टा बाजार और शेयर बाजार का दरवाजा खुल गया। तो मान लिया हमने कि हम और ज्यादा ग्लोबल होते चले गए, और ये करते करते आज 1997 में हम आके खड़े हैं। देखें तो सही ऑब्जेक्टिवली कि हुआ क्या पिछले 5-6 वर्षों में, जो कुछ हुआ है पिछले 5-6 वर्षों में उसके बारे में सरकार क्या कहती है वही मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने कुछ प्रश्न पूछवाए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, इस ग्लोबलाइजेशन के मद्देनजर रखते हुए। ग्लोबलाइजेशन के कुछ तर्क हैं, जैसे पहला तर्क है कि आपको कैपिटल की बहुत जरूरत है, हिंदुस्तान में कैपिटल की बहुत कमी है, और जब तक विदेशी पूंजी नहीं आएगी, फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एफडीआई नहीं आएगा, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला। ठीक है, विदेशी पूंजी की बात। दूसरी बात यह कही जाती है कि इस देश में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी, तो टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब आप एफडीआई के लिए दरवाजा खोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी इस देश में। तीसरी बात इस देश में कही जाती है कि आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो जब तक मल्टीनेशनल्स नहीं आएंगे तब तक आपके देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला है, तो इसलिए आप उनको खुलकर खेलने की छूट दीजिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी मत लगाइए। चौथा तर्क है इस देश में बेरोजगारी की बहुत कमी है, तो विदेशी कंपनियां आएंगी, फॉरेन कंपनीज आएंगी इस देश में, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कुछ दो तीन तर्क और हैं, जैसे सस्टेनेबल हो जाएगी हमारी इकोनॉमी वगैरह वगैरह। इन्हीं तर्कों को ऑब्जेक्टिवली मैं पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूं। जैसे मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछवाया लोकसभा में एक एमपी के माध्यम से कि सरकार से जरा पूछिए कि 91 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है और अप टू जून 1997 कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है देश में। तो सरकार का जवाब है पार्लियामेंट में कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू साइन किए हैं, जो प्रपोजल साइन किए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो बनाया सरकार ने, उसके माध्यम से जो प्रपोजल साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हुए हैं, वो करीब 94,000 ऑफ करोड़ के हैं, 94,000 करोड़ की पूंजी के एमओयू साइन हुए हैं। ये जवाब आया तो मैंने कहा ये तो बहुत मिसलीडिंग है, माने ये आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एमपी तो बेवकूफ हो सकते हैं जो मान लेंगे कि हाँ 94,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया उस एमपी को, कहा कि अभी बात बनी नहीं है, पूरा जवाब नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे ये पूछिए कि एक्चुअल इनफ्लो कितना है। 94,000 करोड़ के तो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं, लेकिन पूंजी आई कितनी है, वास्तव में कितनी पूंजी आ गई है इस देश में। तो जब स्पेसिफिक और बनाया क्वेश्चन को तो ये घबरा गए और जवाब नहीं देना, और बहुत शायद ऐसे जवाब नहीं देंगे तो कई पार्टीज के एमपीज को लगा दिया एक ही सवाल पर कि आप एक ही सवाल पूछिए कि एक्चुअल इनफ्लो कितना है 91 से 97 के बीच में। तो बड़े मुश्किल से फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिलवाया पार्लियामेंट में, और उनका जवाब है कि एक्चुअल इनफ्लो है 19,700 करोड़ रुपीज के आसपास। माने 94,000 करोड़ के प्रपोजल साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन पूंजी कितनी आई है, मुश्किल से 20,000 करोड़ की पूंजी आई है। और ये डॉलर टर्म्स में नहीं कह रहा हूं, मैं रुपए में कह रहा हूं, और ये मेरा जवाब नहीं है, ये पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर का दिया हुआ जवाब। और ये पूंजी आई कितने साल में है, 1991 से लेके 1997 के बीच में, माने 6 साल में इतना हंगामा करने के बाद 20,000 करोड़ रुपया आया है। और ये जो 20,000 करोड़ आया है ये है क्या एक्चुअली, ये ज्यादा इसमें जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, और फाइनेंशियल कैपिटल कभी भी किसी देश में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाया करता, फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में कारखाने नहीं लगा करते, फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में उत्पादन नहीं बढ़ता, फाइनेंशियल कैपिटल से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, फाइनेंशियल कैपिटल से कभी इकोनॉमी में कोई असर नहीं आता। फाइनेंशियल कैपिटल तो आता है शेयर बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए, या सट्टा बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए। तो ये जो 20,000 करोड़ की पूंजी आई है इस देश में 1991 से 97 के बीच में, इसमें ज्यादा हिस्सा फाइनेंशियल या फाइनेंशियल कैपिटल का है। और ये जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है वो आज आपके मार्केट में है, कल हो सकता है सिंगापुर चला जाए, परसों हो सकता है न्यूयॉर्क चला जाए, एक दिन बाद हो सकता है टोक्यो चला जाए, माने जहां उनको लगेगा वहां चला जाएगा, वो आप ही के देश में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
और दूसरी तरफ मैंने देखा कि इस देश में 20,000 करोड़ की पूंजी इतना हंगामा करने के बाद, इतना ढोल पीटने के बाद, इतने बड़े बड़े क्लीशेज इस्तेमाल करने के बाद आई 1991 से 97 के बीच में, तो हमारे देश में पूंजी की क्या स्थिति है। तो मैं मेरी बात नहीं कहता, मैं हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही एक बात को कोट कर रहा हूं। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान में डोमेस्टिक सेविंग्स के रेट 24% ऑफ जीडीपी है, माने एक साल का जो हमारा जीडीपी है वो करीब 8,00,000 करोड़ का है, उसका 24% हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर, तो कितना बैठता है? लगभग 2,00,000 करोड़ बैठता। तो 2,00,000 करोड़ की तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एक साल की, ये मैं नहीं कहता, मनमोहन सिंह कहते हैं। 2,00,000 करोड़ की जिस देश में एक साल की सेविंग्स हो और वो देश विदेशी पूंजी के लिए परेशान हो, ये कुछ समझ में नहीं आता। और उस 2,00,000 करोड़ का कितना अनुपात है जो 20,000 करोड़ आया है, कितने परसेंट बैठता? माने हम हर साल इस देश में 2,00,000 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं डोमेस्टिक सेविंग्स के रूप में, और 6 साल में हमारे यहां मात्र आया है 20,000 करोड़ रुपए, और हम ढोल पीट के चिल्ला रहे हैं कि इस देश में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इसी के बाद जब दूसरे हिस्से की बात करना शुरू करिए कि ये जो 20,000 करोड़ आ भी गया है आपके देश में तो चला कितना गया, क्योंकि विदेशी पूंजी आती है वो आपके फायदे के लिए नहीं आती है, वो उनके फायदे के लिए आती है। और दुनिया में कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं है जो आपके फायदे के लिए अपनी पूंजी आपके देश में आके लगा देगा। एक तो सच्चाई ये है कि 1980 से यूरोपियन मार्केट में भयंकर रिसेशन है, अमेरिकन मार्केट में भी भयंकर रिसेशन है, और मैं जानता हूं जितने अर्थशास्त्र की बातें उसके अनुसार जितने भी मार्केट में रिसेशन आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पहले अपने रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो अगर यूरोपियन मार्केट में रिसेशन चल रहा है 1980 से और अमेरिकन मार्केट में भी रिसेशन चल रहा है 1980 से, तो उनको पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए, और जब उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत है तो उनके पास पूंजी बचेगी कहां से जो आपके यहां लाके वो इन्वेस्ट करेंगे। ये मोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। अगर उनके मार्केट में रिसेशन नहीं होता, उनके मार्केट में ये सारी बातें नहीं होती मंदी की, और तब कोई पूंजी की बात करता तो समझ में आती, लेकिन जब उनके मार्केट में खुद रिसेशन चल रहा है तो कहां से वो पूंजी आपके देश में लाने वाले? पूंजी है नहीं उनके पास। अगर उनके पास पूंजी होती तो वो अपना रिसेशन दूर करेंगे पहले, और वो इतने दयावान नए हैं, इतने साधु महात्मा नहीं हो गए अमरीका के और यूरोप के लोग के अपने यहां थोड़ा घाटा सहन करके हिंदुस्तान में लाके पूंजी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका फायदा कर देंगे। इतने धर्मात्मा वो कभी थे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं भविष्य में। तो जब उनका मार्केट रिसेशनरी मार्केट हो गया है तो वहां पहले उनको पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए, तो आपके यहां पूंजी आने वाली नहीं है, इसलिए ये मात्र 20,000 करोड़ की पूंजी आई है, और 6 साल में 20,000 करोड़ आया है तो लगभग 3,000-3,500 करोड़ एक साल में आया है। ये 3,000-3,500 करोड़ क्या होता है उस देश में जिस देश का नेशनल बजट 2,40,000 करोड़ का हो? एक साल का हमारा नेशनल बजट 2,40,000 करोड़ का है, उसमें 3,000-3,500 करोड़ रुपया कौन सी बड़ी बात है, क्या मायने रखता? और सच्चाई ये है कि कोई ग्लोबलाइजेशन में पूंजी इस देश में आ नहीं रही है, लेकिन जो आई भी है उसकी तुलना में चली कितनी गई है? ये सवाल फिर मैंने लोकसभा में पूछा कि ये 20,000 करोड़ का एफडीआई आया पिछले 1991 से 1997 के बीच में, लेकिन 1991 से 1997 के बीच में कुछ गया भी तो है हिंदुस्तान से, वो कितना चला गया? तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है कि 1991 से 1997 के बीच में जो चला गया है हमारे देश से वो 34,000 करोड़ है। माने 20,000 करोड़ आया है और 34,000 करोड़ यहां से चला गया है, तो कौन किसको पूंजी दे रहा है? वो हमको पूंजी दे रहे हैं या हम उनको पूंजी दे रहे हैं? और हमेशा दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं अपने आप को, हालांकि मैं मानता नहीं कि वो डेवलप्ड है, लेकिन तथाकथित डेवलप्ड हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड हैं, वो कभी भी गरीब देशों को पूंजी देते नहीं, बल्कि गरीब देशों की पूंजी अपने यहां खींच कर ले जाते हैं। और वो कैसे चलता है? अंक टाट के कुछ फिगर्स है मेरे पास, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
उनकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो अंकटाड की रिपोर्ट है 95-96 की, लेटेस्ट तो नहीं कह सकता, 95-96 की है, उसके बाद मुझे आई नहीं तो इसलिए मैं आगे की बात कर नहीं सकता। 95-96 की अंकटाड की रिपोर्ट कह रही है कि 95-96 में दुनिया के अमीर देशों से गरीब देशों में कितनी पूंजी गई और उसी समय में दुनिया के गरीब देशों से अमीर देशों में कितनी पूंजी आई, उसके उसमें कुछ फिगर्स हैं। तो गरीब देशों से जो पूंजी अमेरिका में चली गई, यूरोप में चली गई, उसकी बात तो बाद में, पहले इनके देशों से आई कितनी गरीब देशों में। तो डेवलपिंग कंट्रीज की संख्या अंकटाड के उसमें 120 मानी जाती। तो 120 गरीब देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में जो पूंजी आई एक साल में, वो करीब है $500 बिलियन। और इसमें क्या क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन लोन है, फॉरेन एड है, तीनों चीजें हैं, कर्जा है, विदेशी पूंजी है और विदेशी सहायता है। तीनों तरह की पूंजी मिला के $500 बिलियन आया गरीब देशों में। और उसी समय में, उसी एक साल में इन देशों से कितना चला गया अमरीका और यूरोप में, तो उसके फिगर्स हैं $725 बिलियन। माने $725 बिलियन गरीब देशों से अमीर देशों में चला गया और $500 बिलियन अमीर देशों से गरीब देशों में आया। तो कौन किसको पूंजी दे रहा और कितने बड़े लेवल पे धोखा चल रहा है सारी दुनिया में। अमीर देश कभी पूंजी किसी को दे नहीं सकते, ये पूंजी जो है गरीब देशों से अमीर देशों में जाती है। एक साउथ साउथ कमीशन है और साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे बहुत दिनों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1986 से 1989 के बीच में वो साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे। माने हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले वो हिंदुस्तान की तीन तीन सरकारों के एडवाइजर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं। सारी दुनिया में उनकी बड़ी भारी इज्जत भी है एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में। तो ये व्यक्ति जब हिंदुस्तान में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करता है तो क्या कहता है, और जब ये आदमी वित्त मंत्री हो जाता है तो क्या कहता है। तो जब ये साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे तो इन्होंने एक केस स्टडी किया है, वो केस स्टडी मेरे पास है और उस पर मैंने कई लेख भी लिखे थे। वो क्या है कि 86 से 89 के बीच में दुनिया के 17 गरीब देशों के बारे में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, जिनमें हमारा देश है, पाकिस्तान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, वगैरह वगैरह नजदीक के गरीब देश है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन 17 गरीब देशों में 1986 से 1989 के बीच में कितनी पूंजी आई है और इन देशों से कितनी पूंजी चली गई है कैपिटल फ्लाइट के रूप में, उसका उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिया है। तो वो स्टेटिस्टिक्स है कि 86 से 89 के बीच में 17 गरीब देशों में अमीर देशों से $215 बिलियन आया, जिसमें FDI है, फॉरेन लोन है, फॉरेन असिस्टेंस है, फॉरेन एड है, सब है, सारा मिला है। तो $216 बिलियन आया और चला कितना गया 1986 से 89 के बीच में इन गरीब देशों से अमीर देशों में, जो पैसा चला गया वो कितना है, तो वो है $345 बिलियन। तो ये खुद ही कह रहे हैं कि पूंजी आती नहीं है कभी उससे। तो जो आदमी वित्त मंत्री बनने के पहले ये सिद्ध करता रहा हो कि कभी भी अमीर देशों से गरीब देशों में पूंजी आती नहीं है, वो आदमी वित्त मंत्री बनने के बाद कैसे अचानक से 180 पे टर्न कर सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आया आज तक। और वो आदमी ऐसे टर्न कर सकता है उन्हीं दिनों में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, उसके 1-1.5 महीने पहले फ्रांस का एक अखबार है, उसका नाम है लमोंड, उसमें एक न्यूज आइटम छप गया था। क्या न्यूज आइटम था? हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात मैं कह रहा हूं मई 1991, और मई 1991 में इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, राजीव गांधी जिंदा थे, उनकी मृत्यु 20 मई 1991 को हुई है। ये उसके पहले का आर्टिकल है और ये लमोंद में छपा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कटिंग भेजी और कहा कि देखो ये क्या है। तो मैंने भी आश्चर्य से उसको पढ़ लिया कि कैसे लमोंद कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसमें खबर क्या है, फ्रेंच में जो वाक्य है उसका हिंदी में करके आपसे कह रहा हूं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार
डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, जो चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए। और वो कटिंग लेके मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिखाई तो कई लोग कहते थे कि यार पता नहीं फालतू की बातें हैं, ऐसी तो चलती रहती है, ब्रिटेन के बहुत सारे टैबलॉइड्स हैं जो कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं, फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही चल गया होगा तो उन्होंने भी लिया कि कहीं मस्ती में छाप दिया होगा। लेकिन बाद में जिस दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा रही है तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये हुआ कैसे। मेरे एक परिचित हैं, वर्ल्ड बैंक में काम करते, उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे इलाहाबाद के रहने वाले। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। तो मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक का मनमोहन सिंह से क्या रिश्ता है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में 10 साल तक सर्विस कर चुके हैं और जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा उनको चुकाना है। तो वो कर्जा चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा रहा है और तुम में से किसी में दम नहीं है जो उसको रोक सके फाइनेंस मिनिस्टर बनने। तो मैंने सोचा कि इस देश की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को क्या हुआ, माने हमारा पार्लियामेंट तय नहीं कर रहा है कि हु विल द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक तय कर रहा, IMF तय कर रहा। और वर्ल्ड बैंक क्यों तय कर रहा, IMF क्यों तय कर रहा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज इस देश में लागू करानी है, तो उनको अपना आदमी चाहिए, तो उन्होंने अपना आदमी रखवा दिया इस देश में। बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हिंदुस्तान में अपने पूरे टेन्योर में वो आदमी 1.25 रुपए टोकन मनी लेता था तनख्वाह के रूप में। तो मेरे दिमाग में रोज प्रश्न उठता था कि बाकी का पैसा कहां से आता मनमोहन सिंह। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बना। और वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वर्ल्ड बैंक की बातें करेगा इस देश। जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक बात कहता हो और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद ठीक उसके उल्टी बातें कहना शुरू कर दे तो ऐसे आदमी को तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। शायद आपको लगा है कि ये मैंने बहुत कड़ी बात कह दी है लेकिन यही सच्चाई है। एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कुछ कहते थे उसका ठीक उल्टा काम उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो किया है इस देश में, और उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे अगले 20 साल में जो कुछ वो करके चले गए। और उसके बाद नाटक चला इस देश में, एक बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, आप शायद याद करिए इस बात को। तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही तो सबसे पहली चिट्ठी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की आई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं किया गया उनका इस्तीफा स्वीकार। जबकि कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह के खिलाफ भयंकर रिजेंटमेंट था, बहुत सारे कांग्रेसियों को उनका ग्लोबलाइजेशन पचा नहीं था, उनका लिबरलाइजेशन भी नहीं पचा, और सारे कांग्रेसी एक स्वर से मांग करते थे कि आपके इस ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या। वो वायदा करते थे कि मैं 3 महीने में महंगाई को जमीन पे ला दूंगा, तो पता चला 3 महीने में महंगाई और 3 गुना बढ़ गई, तो कांग्रेसियों को लगा कि हमारा तो वोट बैंक चला गया, तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर अटैक होना शुरू हुआ। तो मनमोहन सिंह को रिजाइन करने की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहली ही चिट्ठी आई इस देश में कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और यही नाटक अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले हुआ चिदंबरम साहब के साथ। आपको याद है चिदंबरम साहब ने एक बार धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तो जैसे ही चिदंबरम की धमकी आई वैसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अखबार में कि चिदंबरम साहब अगर चले जाएंगे तो लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, माने वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा। सीधी सी बात वो कहनी चाहिए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा, वो कहेंगे लिबरलाइजेशन का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। यही मनमोहन सिंह के जमाने में कहते थे। और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं। चिदंबरम साहब मनमोहन सिंह से 2 कदम आगे, ये लंदन गए थे, अक्टूबर 96 की बात कह रहा हूं, अक्टूबर 96 में ये लंदन गए थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल के लूटने के लिए आए थे, मैं आपको फिर से इनवाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए, एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू
क्या कहें इसको, सिवाय ट्रेटर के दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदंबरम के लिए इस्तेमाल करूं। कि एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा, मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट कर ले जाइए इस देश। तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का बंटाधारी होने जा रहा है। और तब मुझे शक होने लगा है कि सच में कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है क्या, और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है, एक्चुअली ये रिकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है। और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं, विदेशी पूंजी के स्तर पर कुछ आया नहीं आपके देश में, जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया। और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था, 100-150 रुपए वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था, 2000 में पहुंच गया था, जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में। मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में, वो रोज सवेरे सवेरे आता था, मुझसे पूछता था कि राजीव भाई आज ACC का दाम क्या है। तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना ACC के, नहीं मैंने ACC खरीदा। मैंने कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया कि बीवी के गहने गिरवी रखे हैं, मैंने ACC खरीदा, क्या होने वाला है। कहने लगा आप तो बेवकूफ आदमी, आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं, आज ये 1500 का है, कल 2000 का हो जाएगा, फिर 3000 का हो जाएगा, फिर 3500 का हो जाएगा, आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा मैं। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया। और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है। कोई भी रद्दी से रद्दी अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पर कोई गहरा असर पड़ रहा है क्या। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती हैं चीजें। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में ये तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया, जो ग्लोबलाइजेशन किया, उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है, एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया, गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई। तो पता चला कि 2500-3000 पे बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में कोई खरीदने को तैयार। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बताई, पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में, उन्होंने काम किया, 2-3 महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए, वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए, उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके, फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर उड़ गए, तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे। कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, ये मेरी नहीं, कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान के लोगों का 70,000 करोड़ लूट लिया। इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने FIR तक दर्ज नहीं कराई। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को 30 मार खां कहते थे, जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी टिप्स पे रखी हुई है, वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां दुबक गए, नजर नहीं आते। किसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने 400 करोड़ मार्केट से उठा लिया, पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी नहीं। जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया, जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया, वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए, कोई 480 करोड़ उठा ले गया, कोई 500 करोड़ उठा ले गया, कोई 1000 करोड़ उठा ले, माने लूट की खुली छूट मची हुई थी। कोई कानून नहीं था, कोई रोक नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मनमोहन सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में, मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही। और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ रुपया डूब गया है इस शेयर बाजार, जो वापस आएगा किसी को कुछ पता है। और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम 2-4 बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है,
कि शेयर बाजार चल रहा है, फिर क्या हुआ इसमें, क्यों डूब गया 70,000 करोड़ रुपया, कौन जिम्मेदार है इसका, किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी। और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस किए थे मनमोहन सिंह को कि ये सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ, हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह से काम करता रहा। ये मैं नहीं कहता, पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स हैं। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है। तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं, हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल्स जाएंगे दुनिया में। माने चोर को चोर नहीं कह सकते हम, डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे। कौन सा देश है ये और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश को रूल करता है? दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमेरिका में ही ये स्कैम हुआ होता, हिंदुस्तान की जगह अमेरिका को रखकर देखिए, और अमेरिका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता, तो अमेरिकन सरकार ने एक मिनट की देर नहीं की होती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना कर दे। ये हम पॉलिटिकल स्लेव कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से नहीं भगाया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता। और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है, वो अमरीका का 101% एजेंट है इस देश, जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पर ले जाकर पटक दिया। और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा, कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में, हजारों हजारों प्रोडक्शन यूनिट इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में लग गया। मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं, नोएडा के आसपास करीब 80,000 छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया, वो चल नहीं था। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए, सड़क पे खड़े, डूब गया पैसा शेयर बाजार। और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए ना मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है ना चिदंबरम के पास कोई तरकीब, कैसे आएगा ये पैसा? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी लूट हुई। लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पे लूट कर ले जाते थे आपके यहां, और अब तरीका बदल दिया है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते हैं, और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं। पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कब मिलेगी, शायद हो सकता है 2 साल के बाद आप भी भूल जाएं, मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा स्कैम भी कोई हुआ था। और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही है हिस्सा, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा। जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतने तेजी से इस देश में घोटाले चले, 1991 से 1997 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है, मेरी फाइंडिंग्स नहीं, कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ डूब गया। ये वो क्या, तो 20,000 करोड़ आया और 70,000 करोड़ हमारा डूब गया, ये है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर। कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है, आपको लूट करके आपके देश से ले जा। दूसरे लेवल पे मैंने एक बार एक क्वेश्चन और पूछवाया था लोकसभा में कि आप बहुत चिल्लाते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, और चूंकि मैं साइंटिस्ट रहा हूं इसलिए थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूं कि क्या टेक्नोलॉजी होती है और क्या टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो लोकसभा में जब सवाल पूछवाया कि 91 के बाद जो MOU साइन किए हैं भारत सरकार ने, इसमें हाईटेक एरियाज कितने, तो सरकार का जवाब है कि करीब 70% जो MOU साइन हुए हैं वो जीरो टेक्नोलॉजी के एरियाज, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और 70% के बाद 10 से 15% जो MOU साइन हुए हैं वो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी के एरिया में, और मुश्किल से 5 से 10% MOU साइन हुए हैं जो हाईटेक एरिया में है। लेकिन अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई हाईटेक आ गया है क्या इस देश में, कोई हाईटेक नहीं आया। उससे ज्यादा इस देश में क्या आ गया है, पेप्सी कोला आ गया जो जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम, कोका कोला आ गया वो भी जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम, अंकल चिप्स आ गया है, रफल्स चिप्स आ गया, हॉस्टेस आ गया है, टॉप रेमन आ गया, बिनीज आ गया,
माने पोटैटो चिप्स आ गए हैं, ये जीरो टेक्नोलॉजीज के आई। आपके देश में नमक बिक रहा है विदेश की कंपनी का, कैप्टन कुक अन्नपूर्णा, पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी। आटा बिक रहा है विदेशी कंपनियों का, कैप्टन कुक अन्नपूर्णा, पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी। जूते के तलवे बेच रहे हैं कुछ विदेशी कंपनी वाले, पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी। अंडरवियर बनियान इंपोर्ट हो रहे हैं इस देश में, पता नहीं कौन सी हाई टेक्नोलॉजी है, मेरे समझ में नहीं। कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे आइटम्स इस देश में इंपोर्ट होने लगे, पता नहीं कौन सी हाईटेक उसमें। ये सारे के सारे आइटम्स जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम। और एक बार मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछवाया कि एक 1977 में जब मुरारजी भाई देसाई की सरकार थी तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, क्या लिस्ट बनाई थी, 840 आइटम्स ऐसे हैं जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम माने जाते हैं। तो वो 840 आइटम्स मुरारजी भाई देसाई ने रिजर्व कर दिए थे कि इनमें कभी कोई मल्टीनेशनल नहीं घुसेगा, मल्टीनेशनल को घुसना हो कि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आइटम्स हैं उनमें घुसे, तो मल्टीनेशनल घुस नहीं पाते थे। तो वो क्या करते थे कि हिंदुस्तानी कंपनी ढूंढते और उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाते, और ये बहुत दिन तक इस देश में चलता रहा। वो सीधे घुस नहीं सकते थे क्योंकि नियम था, मनमोहन सिंह ने वो नियम बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि वो 870 जो आइटम थे इस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए या जीरो टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व जो आइटम थे उनको भी खोल दिया, तो भड़बड़ा के सारे मल्टीनेशनल उसी में घुस गए। सच्चाई ये है कि कभी कोई मल्टीनेशनल आपके देश में आता नहीं टेक्नोलॉजी लेकर। वो क्या लेकर आते हैं, जो उनके यहाँ 20 साल पुरानी हो गई है टेक्नोलॉजी, जिसके लिए उनके पास जमीन नहीं है डंप करने के लिए, उसको लाके आपके देश में पटक देते हैं और आप चिल्लाते हैं कि हमारे देश में हाईटेक आ गया। कोई हाईटेक आता नहीं। जहां आपको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, जिस एरिया में जीरो टेक्नोलॉजी है उसी एरिया में सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल इस देश में इस समय काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी, साबुन बनाने में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, जूते के फीते बनाने में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, टमाटर की चटनी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी। नेस्ले को हमने खोल दिया मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस बनाने के, बताइए जरा टमाटर की चटनी बनाने में कौन सा हाईटेक आइटम इस्तेमाल, या नमक को पॉलिथिन पैक में बंद करना कौन सा हाईटेक आइटम, या आलू का चिप्स बेचना, कैडबरीज की चॉकलेट बनाना, बिस्किट बनाना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के आइटम। ये तो सब 870 वो आइटम है जिनको भारत सरकार ने 1977 में माना था कि ये सब जीरो टेक आइटम है, और सारे मल्टीनेशनल इन्हीं क्षेत्र में घुसे हुए। एक भी मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आया सैटेलाइट बनाने के लिए, सैटेलाइट बनाना हाईटेक आइटम है, और इस देश में एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो सैटेलाइट बनाने के लिए आया हो। मिसाइल बनाना हाईटेक आइटम है, एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो इस देश में मिसाइल बनाने के लिए आया। टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाना कुछ हाईटेक आइटम माना जाता, लेकिन एक भी मल्टीनेशनल नहीं आया जो उसको उस क्षेत्र में कुछ करने वाला। सच्चाई ये है कि जो सच में हाईटेक है वहां आपको कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है, और कभी कभी आप लेने की कोशिश करें तो आपको लंगड़ी मार के गिरा देते। जैसे मैं एक सॉलिड एग्जाम्पल दूं, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन रोते रोते अमरीका पहुंच गए। ये हमारे देश में भिखारी की बड़ी बुरी आदत है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी भिखमंगई की तरह से बात करता। कटोरा लेके पहुंच गए रोनाल्ड रीगन के सामने कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। इनको बहुत समझाया था इस देश के साइंटिस्टों ने कि आप मत जाइए, बेइज्जती हो जाएगी आप, लेकिन माने नहीं, क्योंकि धुन थी कि हिंदुस्तान को 21st सेंचुरी में ले जाएंगे। जैसे उन्हीं के ले जाने पे जाएगा, ये देश अपने तरीके से जाने वाला नहीं था 21st सेंचुरी। तो पहुंच गए अमरीका में भीख मांगने के लिए। क्या भीख मांगा रोनाल्ड रीगन से, कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, और क्या चाहिए आपको, क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। तो रोनाल्ड रीगन ने कहा कि सोचेंगे, फिर पीछे पड़े उनके बाद दोबारा, फिर पहुंच गए अमरीका के, आपने क्या सोचा। तो रोनाल्ड रीगन ने कहा कि हमने सोचा है कि हम आपको ना तो सुपर कंप्यूटर देंगे और ना हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे। अमरीका की दो कंपनियां थी उस समय, एक थी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट अगर साइन हो जाए तो हमारा सुपर कंप्यूटर हिंदुस्तान में बिक जाए, कंपनी के मन में था, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि ये संभव नहीं। उसके बाद मैकडोनल्ड डगलस चाहता था, मैकडोनल्ड डगलस आज भी चाहता है कि हम हिंदुस्तान को अपना क्रायोजेनिक इंजन बेचें, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि ये भी संभव नहीं। तो बेचारे मुंह लटकाए हुए अमरीका से वापस लौट आए। जो बेइज्जती हुई वॉशिंगटन में वो अलग हुई, यहां से बड़े तामझाम के साथ गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने, क्रायोजेनिक इंजन मांगने, वहां से खाली हाथ लौट आए, और यहां आके एक दिन लिटरली CSIR के साइंटिस्टों की मीटिंग में रो पड़े कि मैं गया सुपर कंप्यूटर मांग, क्रायोजेनिक इंजन मांग, लेकिन मुझे नहीं मिला।
तो हमारे यहाँ उस समय डॉक्टर एस के जोशी डायरेक्टर हुआ करते थे। मैं भी उस समय सीएसआईआर के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करता था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि अमरीका कभी भी आपको कोई हाई टेक आइटम देने वाला नहीं है, आप क्यों गए थे अपनी बेइज्जती कराने। तो उन्होंने कहा आप कोई तो रास्ता निकालो। तो कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, रूस के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। रूस में एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस, उसके पास क्रायोजेनिक इंजन है, तो आपको क्रायोजेनिक इंजन शायद मिल जाए। तो रूस के साथ एग्रीमेंट साइन किया राजीव गांधी ने। और जैसे ही रूस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ और क्रायोजेनिक इंजन की डिलीवरी का टाइम आया, तो अमरीका ने फिर लंगड़ी मारी और रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। रूस बेचारा घबरा गया। तो रूस के प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया कि अब हम भी आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं बेचेंगे। रूस ने मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए, अमरीका ने पहले ही मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए। सुपर कंप्यूटर की बात तो ऐसे ही दफन हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए? तो एक दिन हमारे कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि आप ये जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं, क्यों नहीं इंडियन साइंटिस्टों को कहते कि वो सुपर कंप्यूटर बनाए? क्यों नहीं इन साइंटिस्टों को कहते कि वो इस देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाए? तो उनको भरोसा ही नहीं था कि इंडियन साइंटिस्ट ये बना सकते। तो सीएसआईआर के लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि आप ये मत मानिए, इंडियन साइंटिस्ट उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, बशर्ते कि उनको काम देने की जरूरत है और उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। तो डरते डरते उन्होंने सीएसआईआर को कहा कि ठीक है, अच्छा आप बना लीजिए भाई, अगर आपको लगता है तो। सीएसआईआर का पूना में एक सिस्टर कंसर्न है सीडेक, उनको दे दिया गया कि आप सुपर कंप्यूटर बनाइए। 3 साल में सीडेक के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके हिंदुस्तान में सुपर कंप्यूटर बना दिया। और हिंदुस्तान में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना परम, जो आज भी गर्व के साथ इस देश में चल रहा है। ये टेलीविजन पर ये आंखों देखा मौसम का हाल जो देखते हैं, वो 100% इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर का कमाल है परम का, जो इस देश में बना। और आज सिर्फ परम नहीं है, अभी मैं उस दिन पूना जाके आया 14 तारीख को, फोन पर मैंने बात की है, तो परम से आगे के 3 नए सुपर कंप्यूटर उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं और अगले साल वो काम करने शुरू करने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इनकी क्षमता कितनी है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी कंपनी के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले हमारा कम नहीं। 64,000 मेगाबिट्स के सुपर कंप्यूटर जो अमेरिकन कंपनियां इस समय बना रही हैं, वो सीडेक के लोगों ने बना दिया 3 साल। और दूसरी जानकारी मैं आपको दूं कि उसी सीएसआईआर का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है। हो सकता है दिसंबर के अंत तक आपको ये सूचना मिल जाए कि क्रायोजेनिक इंजन भी इस देश में बन गया। तो टेक्नोलॉजी कभी वहां से नहीं आती, टेक्नोलॉजी हर देश को अपनी बनानी पड़ती, और ये दुनिया का सबसे खरा सच है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता। वो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे जो उनके लिए बेकार हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में कभी भी अमरीका और यूरोप की कंपनियों ने कोई हाईटेक आइटम नहीं दिया है। क्या दिया है हमको, उसके बदले में मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है पिछले 5-6 साल में लिबरलाइजेशन के नाम पर, जो यूरोप के कई देशों में बैन हो चुकी है। रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी को ला ला के पूरे ये जो वापी से लेके मेहसाना की पूरी पट्टी है ना गुजरात की, यहीं पे लगाया गया है सबसे ज्यादा। और इस टेक्नोलॉजी का कमाल आप देखेंगे 2-3 साल के बाद। मैं अभी आपकी मीटिंग में ये कह रहा हूं कि अगले 2-3 साल के बाद इस पूरी पट्टी में कम से कम 60 भोपाल होने जा रहे हैं। ये वापी से लेके मेहसाना के बीच में जितनी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आई है केमिकल इंडस्ट्री में, ये हिंदुस्तान में सबसे हजार्डस टेक्नोलॉजी है। और ये क्यों आई है ये समझ लीजिए। मेरे पास एक चिट्ठी है लॉरेंस समर्स की। लॉरेंस समर्स बड़ा भारी अर्थशास्त्री माना जाता है अमेरिका में, हालांकि मैं मानता नहीं कि उसको अर्थशास्त्र का कोई बहुत ज्ञान है, लेकिन वो माना जाता है। और लॉरेंस समर्स वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका है। तो जिस समय लॉरेंस समर्स वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था, उस समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपने कुछ दूसरे अधिकारियों को, गलती से वो लीक हो गई, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास। वो चिट्ठी में लिख क्या रहा, लॉरेंस समर्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लिख रहा है कि हमको अब इस लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए, लिबरलाइजेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिया, तो हिंदुस्तान के लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी हजार्डस केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? नीचे के पैराग्राफ में एक और वाक्य वो लिखता कि हिंदुस्तान में अगर कोई मर जाए तो उसकी कीमत
अमेरिका में मरने वाले आदमी की कीमत से बहुत कम है। माने आप अमेरिका की लेबोरेटरी के लिए चूहे जैसे हैं, गिनी पिग्स हैं। और वो कह रहा है कि अमेरिका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी हजार्डस केमिकल इंडस्ट्रीज को आप हिंदुस्तान में ट्रांसफर कर दीजिए, फायदा उठाते हुए लिबरलाइजेशन का, और वही फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में ये सब तमाशा हो गया। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौंक जाएंगे। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी कोला, पेप्सी कोला के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पेप्सी कोला 10,000 मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा। ये है लिबरलाइजेशन, और ये 2 साल से डंप होना शुरू हो गया। सबसे पहली डंपिंग किया था पेप्सी कोला ने मद्रास के पास एक गांव, और अब इस साल से पेप्सी कोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को। केरल में एक जगह है उसका नाम है वाईपीन। वाईपीन बहुत सुंदर द्वीप है, एक बार मैं गया हूं, इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता। अब उस वाईपीन द्वीप पर अमरीका से लाया हुआ 10,000 मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है, और ये काम पेप्सी कोला कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे एक नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ, न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ, कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का। कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेके हमने एक पिटीशन फाइल किया। एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी। ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी, बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या है तो एटॉमिक वेस्ट आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको परमिशन नहीं देने वाले। जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया, वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया कनाडियन कंपनी के साथ। और ऐसे 100 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का और इस देश में डंप किया जाएगा। और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास, हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वीवी, उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या एग्रीमेंट था? कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर 1 करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाके डंप किया जाए। ये एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह, और उसके दस्तावेज मेरे पास। क्यों किया है? तर्क क्या था मनमोहन सिंह का? तर्क ये था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है क्वालिटी में? तो वो तर्क दे रहे थे। जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया, तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा, क्वालिटी में बहुत अच्छा। और दूसरा क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग में कि ये सोयाबीन जाता कहां से, कि हमारे देश से जाता कहां से जाता है? मध्य प्रदेश से जाता। आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के। तो क्या हो रहा है? सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई। सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद 11वें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते, वो बंजर हो जाता। इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते। तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते, लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता है। मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रेंच होते हैं पिग्स के, हमारे यहाँ रेंच होते हैं गाय के, उनके यहाँ रेंच होते हैं पिग्स के। क्यों बनाते हैं रेंच? क्योंकि सुअर का मांस खाना, और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना। लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती। उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहाँ सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया। तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है, उनके सुअर खाते हैं, और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी। ये एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है। और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर, और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं, और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए थे, इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन बनाया था, तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है इस देश में
जो ये छांटती हो कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं। एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत सरकार, और जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर, वो सब की सब रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है इस देश में। और टेक्नोलॉजी कैसे आती है, एक सॉलिड एग्जांपल मैं आपको दूं। हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था कैल्विनेटर, अमेरिकन कंपनी मल्टीनेशनल, हमारे यहां रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों आई था? उनके मन में दया आ गई कि हिंदुस्तान के लोगों को ठंडा पानी पिलाना। सच्चाई ये थी कि कैल्विनेटर की मार्केटिंग खत्म हो गई पूरे यूरोप, अमेरिका। क्यों खत्म हुई? क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन, सीएफसी। तो सीएफसी एमिशन की जब प्रॉब्लम शुरू हुई, और खासकर ये नॉर्दिक कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, तो वहां क्या हुआ कि ये जितनी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है, इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में सीएफसी बहुत बुरी तरह से एमिट होती है। और सीएफसी के एमिशन से होता क्या है, हमारे वातावरण में ओजोन होती है, और ये ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओजोन अगर ना हो पूरे वातावरण में तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी चमड़ी पर अगर सीधे पड़े वो अल्ट्रा वायलेट रेज, तो आपकी चमड़ी जो है जल जाएगी, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रेफ्रिजरेशन की और एयर कंडीशनिंग की जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हुई है, इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम निकले कि सीएफसी एमिशंस बहुत बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि इन नॉर्दिक कंट्रीज के ऊपर ओजोन में एक बड़ा भारी होल हो गया, छेद हो गया। तो उनके यहां क्या प्रॉब्लम हुई, गर्मी बढ़ गई, और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और आपको मालूम है यूरोप में पूरे के पूरे पोर्शन में 1/3 तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो वो बर्फ पिघलना शुरू हुई, और जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदियों में पानी ज्यादा आने लगा, और पानी ज्यादा आने लगा तो बाढ़ आने लगी। आपको मालूम है साल भर पहले लॉस एंजलिस में बाढ़ आई जिसमें पूरा का पूरा शहर बह गया। इतना बड़ा मैनेजमेंट था अमरीका का, कुछ नहीं कर पाया, लॉस एंजलिस में बाढ़ आई। बाद में पता चला कि क्यों आई वो बाढ़, इसलिए आई कि अमरीका में गर्मी बढ़ गई है, तो बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कार्बन एमिशन है और सीएफसी एमिशन है, दोनों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन सारे देशों में एक भयंकर किस्म की घबराहट पैदा हुई, और उस घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन 12-13 देशों ने जो अमीर देश माने जाते हैं एक समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि धीरे धीरे सीएफसी एमिशन हम खत्म करते चले जाएंगे, और सन 2000 में तो बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देंगे, कार्बन एमिशन भी खत्म कर देंगे और सीएफसी एमिशन भी खत्म कर देंगे। तो संकट हुआ कि सीएफसी एमिशन करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या होगा, तो किसी ने उनको कहा कि हिंदुस्तान में ले जाकर डंप कर दो, बहुत अच्छा देश। तो कैल्विनेटर वाले यहां आ गए, और यहां आके उन्होंने विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि रेफ्रिजरेटर घर की शान, बिना रेफ्रिजरेटर के घर में शान ही नहीं। हिंदुस्तान के इडियट्स लोगों ने कभी एक मिनट ये नहीं पूछा कि इस रेफ्रिजरेटर की हमको क्या जरूरत। यूरोप में, नॉर्दिक कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम आया क्यों? तो सीधी सी बात है, बहुत सूखा हिस्सा है, और सूखे हिस्से में भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता, और वहां परंपरा भी कुछ ऐसी है कि सप्ताह में एक दिन भोजन बनाया जाता। मैं यूरोप के कई देशों में रहा हूं तो मैं देखता था सिर्फ फ्राइडे को भोजन बनाते हैं, और बाकी दिन फिर उसी को निकाल निकाल के खाते हैं फ्रीजर में। किसी को फुर्सत ही नहीं है रोज गर्म खाना बनाने की, सब्जियां रोज मिलती नहीं है। मैं फ्रांस में था तो बीन्स अगर लेनी होती थी तो एक दिन मिलती थी हफ्ते में, वो भी इंडिया से जाती थी तब मिलती। कॉलीफ्लावर लेना है तो कभी एक दिन मिलता था सप्ते, तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है, या तो यहां से जाती हैं हिंदुस्तान से, या लैटिन अमेरिका से आती हैं, या अफ्रीका से जाती हैं। तो अफ्रीका से फल भी जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो वहां क्या होता है कि जो पहले खरीद ले वो घर के अंदर रख ले उसको, बाकी किसी को मिलता नहीं। तो रेफ्रिजरेटर की इसलिए उनको जरूरत थी कि स्टोरेज करके रखना, सप्ताह में एक या दो दिन हरी सब्जी मिल पाती है, सप्ताह में एक या दो दिन खाना बना पाते हैं, इसलिए खाना बना के भी रख लेंगे, सब्जियां भी इकट्ठी करके रख लेंगे, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। थ्योरी तो हम भी जानते थे, रेफ्रिजरेशन की थ्योरी तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल है, थ्योरीज तो हमेशा यूनिवर्सल होती है, टेक्नोलॉजी लोकल होती है। तो थ्योरीज तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की, हिंदुस्तान में पिछले 500-700 साल से रेफ्रिजरेशन की थ्योरीज पे बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि ये देश जानता नहीं, लेकिन हमने कभी रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? हमको जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? रोज इस देश में सवेरे भी ताजी सब्जी लीजिए, शाम को भी मिल जाएगी, और मेरे अपने शहर में तो 3 टाइम मिलती है,
सवेरे अलग मिलती है, दोपहर को अलग मिलती है, शाम को अलग मिलती है। और दूसरा एक और अद्भुत सिस्टम है, रोज गरम गरम मेरी माँ मुझको रोटी बना के खिलाती है। यूरोप में कभी कोई माँ नहीं खिलाती अपने बच्चे को गरम गरम रोटी, जानता भी नहीं है कोई रोटी बना। तो उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया। तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती। और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना, उनको अपने यहां सीएफसी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, इसलिए आपके देश में लाके रेफ्रिजरेटर डंप किया। और वो डंप होने वाली चीज बिकेगी कैसे, तो उसके लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया। और वो एडवर्टाइजमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक आदमी के चुभोया जाता था। कैसे चुभोया जाता था, आपका घर कुछ भी नहीं है अगर उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं। और रोज रोज रात दिन कोई अगर आपको ऐसे ही कोचे कि आपका घर कुछ नहीं है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, आपका घर बहुत रद्दी है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो घर की शान बढ़ाने के लिए एक न एक दिन तो आप ले ही आएंगे, क्योंकि रोज रोज यही सुन रहे। और वो हम ले आए हमारे घर में, हमको मालूम नहीं कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं, टेक्नोलॉजी यूरोपियन। थ्योरीज हो सकती है इंडियन यूरोपियन एक जैसी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंडियन यूरोपियन एक जैसी होती है। उनको जरूरत थी, उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी बनाई, हमको जरूरत नहीं थी, हमने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। अब जब फ्रिज आ गया हमारे घर में, तो देखिए पूरा घर कैसे बदलता। मैंने देखा कि जिनके घरों में फ्रिज आ गया, तो उन्होंने अपने घर को रीस्ट्रक्चर कर दिया। कैसे रीस्ट्रक्चर किया, कि पहले वो रोज ताजी सब्जी खरीद कर लाते थे, फिर जबरदस्ती एक साथ 10-10 किलो सब्जी लाने लगे, क्योंकि भरना तो चाहिए फ्रिज, और लाला के भरने लगे उसमें। फिर क्या हुआ, इस देश में बड़ा अच्छा शुद्ध पानी मिलता था माटले का, तो जबरदस्ती माटला बंद करके रेफ्रिजरेटर में पानी रखना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद बहुत इडियोटिक लोग मिलेंगे जो प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी भर के रखते हैं रेफ्रिजरेटर के। दुनिया में सबसे रद्दी चीज है प्लास्टिक। यूरोप के तो कई देशों में प्लास्टिक बैन होने जा रहा है, जापान ने तो पहले ही बैन कर दिया। 5-6 साल से जापान में प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन लगातार कम किया जा रहा है। और वहां जापान में एक नियम है कि कोई भी खाने पीने की चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। हमने क्या किया, क्योंकि फ्रिज आ गया है घर में, तो फ्रिज का इस्तेमाल भी होना चाहिए, हमको मालूम नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, तो पानी भी उसमें रखना चालू कर दिया। अब प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ, मेहमान आया आप पानी पियेंगे तो सीधे बोतल निकाल के उसके सामने पेश करेंगे। ये नहीं कि पानी को गिलास में डाल के पेश करें, बोतल निकाल के पेश करेंगे ताकि पता तो चले कि हमारे घर में फ्रिज है। अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता नहीं माटले का है कि फ्रिज का है, पता ही नहीं चलेगा मेहमान। और सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज का पानी एक ही काम करता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। यूरोप और अमेरिका में मैं जितने दिन देखा रहा, मैंने हर तीसरे चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मरीज पाया। और अभी तो उनकी जो फिगर्स आए हैं, लेटेस्ट फिगर, वो तो चौंकाने वाले। 90% पॉपुलेशन यूरोपियन ब्लॉक में कॉन्स्टिपेशन का शिकार। और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन वहां होता था, मैं जहां रहता था यूरोप में, तो मैं देखता था 4-4 दिन 5-5 दिन संडास नहीं होती लोगों। एक बार एक डॉक्टर जुकरसन से मेरी मुलाकात हुई, बड़े भारी डॉक्टर माने जाते, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों है, तो कहने लगे उसका सिंपल सा कारण है कि हमेशा फ्रिज का पानी हम लोग पीते हैं और आइस इतनी इस्तेमाल करते हैं, जरा सा पानी उसमें आइस डालेंगे 3/4, चाहे पेप्सी पीना हो कोका पीना हो, तो 3/4 उसमें आइस के क्यूब्स होंगे और मुश्किल से 1/4 उसमें कोका या पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा या हार्ड ड्रिंक होगा, कुछ भी होगा। इतना जबरदस्त आइस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने डॉक्टर जुकरसन से पूछा क्या होगा, पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं, तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले, और अगर संभव है तो गर्म पानी पियो, उकाड़ा हुआ पानी पियो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गर्म पानी पियो, हमको क्या जरूरत थी, ये काहे को उठा लाए, ये बीमारी हम हमारे घर। तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी। और सच्चाई ये है कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है, जो वहां रिडंडेंट घोषित कर दी जाती है, उसी को उठा के हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। और आज का ताजा ताजा उदाहरण दूं, ये पेजर, पेजर 20 साल पहले फेल हो गया पूरे यूरोप। क्यों फेल हो गया,
फेजर इस्तेमाल करने के लिए एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल चाहिए और उसके खास तरह के रिसीवर आते हैं, वो बनाने में पैसा बहुत खर्चा होता है। यूरोप के देशों ने देखा कि फेजर इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। यूरोप के देशों ने धीरे धीरे फेजर से छुट्टी पाई। हमारे यहाँ वो एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल इस देश में इंपोर्ट कर लिए एक सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार। अब वो आ गए, काम क्या करें मालूम नहीं, पड़े हुए थे। तो इस देश में एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे दिया कि ये जो आ गए हैं इनका कुछ तो करिए, जंग लग रही है तो कुछ पेजर वेजर चालू कर दीजिए। और मुझे फिनेंस सेक्रेटरी से एसपी शुक्ला वो कहने लगे कि यार उतनी डिबेट हुई उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में कि यूरोप ने पेजर क्यों रिजेक्ट किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। और उन्होंने जब टोटली रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्नोलॉजी को, तो तुम काहे को उठा के ला रहे हो उसको। लेकिन हमको तो यूरोप का डंपिंग ग्राउंड बनने की आदत पड़ गई है। मानसिक गुलामी इस देश में इतनी जबरदस्त है कि यूरोप जो करके छोड़ देगा उसी को उठा के हम गाना गाने लगते हैं कि यही टेक्नोलॉजी। सच्चाई ये है कि पेजर की टेक्नोलॉजी उनके यहां रिजेक्ट हुई, रिडंडेंट हुई, और उसको रिडंडेंट घोषित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका ये अदा हुई कि पैसा बहुत खर्चा होता है, आउटपुट कुछ भी नहीं है, नेशनल मनी का वेस्टेज है। तो फ्रांस ने सबसे पहले खत्म किया, फिर जर्मनी ने खत्म कर दिया, फिर और तमाम देशों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब वो वहां खत्म हो गया, लेकिन उनके पास मशीनें पड़ी हुई थी, उनका क्या करें, हिंदुस्तान में लाए और डंप कर दिया और आपके यहाँ चालू है, जिसको देखो वहां लगाए घूम रहा। बड़ा है इस देश में तो स्मार्टनेस की निशानी बन गई है, जिसको देखो यहां लगाए घूम, उससे पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या, उसको मालूम नहीं, इसको हैंडल कैसे करते किसी को नहीं मालूम। पेजर को हैंडल करने के बारे में मैं तो चूंकि टेलीकम्युनिकेशन में काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन हम खोसे हुए घूम रहे, अननेसेसरी इस देश की नेशनल जो है एक्सचेकर को बर्बाद कर रहे हैं, और क्या मान रहे हैं कि साहब बड़ी भारी टेक्नोलॉजी इस देश में आ गई। टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी आपके देश में नहीं आती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है, थ्योरी यूनिवर्सल हुआ करते हैं। और इन टेक्नोलॉजीज का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगले 10-12 साल में, जब आप देखेंगे। इस देश में ऐसी ही रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी आई थी जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था, वो अमेरिका की लाई हुई टेक्नोलॉजी थी, आपको मालूम है, यूनियन कार्बाइड कंपनी उसको लेके आई थी। और जब यूनियन कार्बाइड आ रहा था तो इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मना किया था कि जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है यूनियन कार्बाइड, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अंधे लोग हैं इस देश में, जो मानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी माने भगवान, देवता, उसके नीचे कुछ नहीं, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी माने बेकार, रद्दी, कोई मतलब नहीं। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अमेरिका से जो भी कूड़ा कचरा मिल जाएगा उसी को टेक्नोलॉजी मान के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो वही किया इस देश, और टेक्नोलॉजी के नाम पर पिछले 40-50 साल से जो नाटक इस देश में चल रहा, आप शायद उसकी कहानी इतनी लंबी है, सुनाते सुनाते कई समय लगे, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर चुका हूं, और रियल जो टेक्नोलॉजी है इस देश में उसके बारे में हमको सोचने की फुर्सत नहीं। उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे इनोवेट करें, कैसे उसको ऑपरेशनल बनाएं, उस पर किसी का दिमाग नहीं लगता। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा। पता है क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है? चंद्रमा से कुछ पत्थर के टुकड़े आए हैं, उस पर रिसर्च हो रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ। और जब मैं सीएसआईआर में था, काम करता था, तो मैं रात दिन चिल्लाता था कि ये चंद्रमा से पत्थर के टुकड़े आ गए हैं, तुम्हारे किस काम के? अमरीका वालों को करने दो, यूरोप वालों को करने दो, क्योंकि उनके पास करने के लिए अब काम नहीं है। तो वो चंद्रमा का भी काम करेंगे, मंगल का भी करेंगे, बृहस्पति का भी करेंगे, तमाम तरह के खोजेंगे, खोजने दो उनको, हमें तो हमारे गांव में अभी पीने का पानी नहीं दे पाए हैं 50 साल में, ये काम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाए हैं दो समय का ठीक से, 40 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, और तुम सैकड़ों करोड़ रुपया चंद्रमा के आए हुए पत्थर के टुकड़ों पर इन्वेस्ट कर दोगे, निकलेगा क्या उससे? तो मालूम उनको भी नहीं है जो उसमें काम कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि राजीव भाई कुछ रिसर्च पेपर जब अपने पब्लिश हो जाएंगे तो अपन को भी अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा, बस बात खत्म। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता हो जाने तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा चंद्रमा के पत्थर के टुकड़ों पर रिसर्च कर। और मैं उन्हीं दिनों में सीएसआईआर में चिल्लाया करता था, मैं ये कहता था कि जितने सैकड़ों 120 या 135 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट है, तो इतने करोड़ रुपए बर्बाद करके तुम जो रिसर्च कर रहे हो, अगर ये रुपया तुम हिंदुस्तान में गोबर गैस का प्लांट लगाने पर खर्च करो तो गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए।
वो नहीं करेंगे। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च करेंगे, गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो नहीं करेंगे। एक दिन मैंने मीटिंग में कहा तो हंसने लगे सब। मैंने कहा कि आपको मालूम है हिंदुस्तान में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या हालत है, हमारे साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता जरा देखिए, इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग चलता। इस देश में दिमाग जो है ना पूरी तरह से गुलाम है, तो गुलाम दिमाग जो है नई चीज नहीं सोचता, जो गुलामी की बातें हैं वही सोचता। तो क्या सोचेगा, आप जानते हैं ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, तो दिमाग क्या चल रहा है कि इस देश में कार का उत्पादन बढ़ाते चले जाओ, पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, कंजम्पशन इस देश में बढ़ता जा रहा, तो दिमाग कहां चल रहा है, सीएलओ भी बनवा दो, देवू को भी ले आओ, तो फलाने को भी ले आओ, सबको लाइसेंस दे दो, फ्री कर दो, जितनी कार इस देश में आ सके मार्केट में आ जाए, जितने टू व्हीलर्स आ सके आ जाए, जितने थ्री व्हीलर्स आ सके आ जाए। पिछले 5-6 साल में इस देश में कारों का उत्पादन 3 गुना हो गया, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। और दूसरी तरफ हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये रोना रोना हमेशा रोते रहे। तो कर क्या रहे हैं कि बराबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप 4 व्हीलर बनाते चले जाइए जो पेट्रोल खाते हैं, डीजल खाते हैं, कुछ खाते हैं। एक दिन मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका उल्टा क्यों नहीं करते, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि डीजल का कंजम्पशन कम हो। तो कहने लगे क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं, मैंने कहा यही सीधी बात है, अगर आप ये तरकीब नहीं सोचोगे कि कैसे पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कैसे डीजल का कंजम्पशन कम हो, तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे। कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप अपनी कारें चलाएंगे, कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप इस देश में डीजल का कंजम्पशन पूरा करेंगे। तो कहने लगे कैसे होगा, मैंने कहा आप एक सर्वे कराइए और हिंदुस्तान में पता करिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या स्थिति। तो बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उनको ये बड़ा अच्छा लग गया, उन्होंने कहा राजीव मैं इस पे काम करता हूं। मैंने कहा जरूर करिए। 1-1.5 साल उन्होंने बड़ा भारी काम किया, काफी सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट आई और कही रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें 60% बैलगाड़ी से है, 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में बैलगाड़ी से होता, 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में या तो 4 पहिए वाली या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से। तो मैंने उनसे कहा, जो साइंटिस्ट साहब जिन्होंने काम किया, कछालकर साहब बड़े बारीक व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र भी थोड़ा जानते हैं, मैंने कहा मान लीजिए ये सारा का सारा बैलगाड़ी वाला गुड्स हम जो है हवाई जहाज से ले जाना चालू कर दें, या रेल से ले जाना चालू कर दें, या ट्रक से ले जाना चालू कर दें, तब क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने सिंपल जो सेंटेंस मुझसे कहा कि राजीव तब इस देश का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट 70,000 करोड़ पे पहुंच जाए, अभी सिर्फ 20,000 करोड़ पे, फिर 70,000 करोड़ पे पहुंच जाए, और तब तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स कर जाए। तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर एक दिन सीएसआईआर की मीटिंग में मैंने कहा तो फिर ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते कि ये 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो बैलगाड़ी से हो रहा है ये 80% कैसे हो जाए। कहने लगे ये कैसे हो सकता, मैंने कहा सिंपल सा काम है, बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगा दो। लेकिन कहने लगे बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग तो लग सकती है लेकिन अमरीका जाने का मौका नहीं हो सकता। हाँ, और ये मेरे देश के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट ने मुझको जवाब दिया कि बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लग सकती है, ये बात तुम्हारी बराबर है, और शायद बियरिंग लग जाए तो बैलों के ऊपर बोझा कम पड़ेगा और उसी शक्ति में वो शायद 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा बोझा ढोकर ले जाएंगे, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन उसमें बियरिंग लगाने से मुझे क्या फायदा, मैं तो अमरीका जा नहीं सकता, अमरीका कब जाऊंगा, पेट्रोल पे कोई रिसर्च करूं, डीजल पे कोई रिसर्च करूं, ऑक्टेन नंबर उसका कुछ बढ़वा दूं, ये कर दूं वो कर दूं, तब तो शायद अमरीका जाने का मौका है, बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगाने में तो गांव में जाना पड़ेगा। ऐसे इस देश का दिमाग चलता, सच में जो टेक्नोलॉजी है वो बैलगाड़ी के पहिए में है, और बैलगाड़ी के पहिए को अगर हम इंप्रूव कर दें तो हिंदुस्तान के ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को आप खत्म कर सकते हैं, वरना कारों की संख्या बढ़ा के, टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ा के, स्कूटर्स की संख्या बढ़ा के, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ा के आप तो डेफिसिट बढ़ाने ही जा रहे, क्योंकि आप जानते हैं आपके देश में उतना प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोल का, आप जानते हैं जितनी आपकी नीड्स हैं उसका मुश्किल से 40-50% आप प्रोड्यूस कर पाते, बाकी सारा का सारा आपको इम्पोर्ट करना पड़ता। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान सरकार के जितने इम्पोर्ट्स बिल हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है, हर साल 1,000,000 करोड़ रुपया हमको बर्बाद करना पड़ता है, लेकिन ये रुक सकता है।
रुकने के रास्ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अमरीका जाने का मौका नहीं, हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा। और गांव से सबको नफरत जैसी हो गई है कि गांव सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी, शिवरिंग होने लगती है बहुत सारे लोगों को तो गांव का नाम सुन। टेक्नोलॉजी जहां है और जिसको इनोवेट करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां किसी का कोई ध्यान नहीं। इस देश में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चल रहा, शायद आप ये सुनकर आश्चर्य से पूछेंगे, सीएसआईआर की 44 नेशनल लेबोरेटरीज हैं इस देश में, 60,000 साइंटिस्ट उसमें काम करते, एक भी साइंटिस्ट इस बात पे काम नहीं कर रहा है कि बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग कैसे लगाया जाए, एक भी साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा, और सब हजारों हजारों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पे तो काम चल रहा, लेकिन बैलगाड़ी के पहिए में कैसे बियरिंग लगा के आप उसको और ज्यादा इफिशियंट बना सकते हैं, इस पर कोई काम इस देश में नहीं चल रहा। हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना चाहिए। और कई बार टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा आपके साथ होता है। इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जितना बड़ा सेक्टर है, ये तो हाईटेक एरिया माना जाता है ना, और आपको शायद मालूम नहीं है कि आप जितनी दवाएं खाते हैं उसमें 90% जो है, जो दवाएं सारी दुनिया में बैन कर दी गई हैं, रिजेक्ट कर दी गई हैं, उन्हीं दवाओं को लाकर मल्टीनेशनल्स आपके देश में बेच देती हैं। जिन दवाओं को एक क्लास का पॉइजन डिक्लेयर किया गया है, वो दवाएं आपके देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं, जैसे ब्रूफेन। ब्रूफेन एक क्लास का पॉइजन है, ब्रूफेन खाइए तो किडनी भी डैमेज होती है, लीवर भी डैमेज होता है, ये बात सारे डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इस देश में धड़ल्ले से ब्रूफेन बिक रहा। जरा भी कहीं आपके शरीर में दर्द हो जाए, तुरंत डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देगा, ब्रूफेन खा लीजिए। और इसमें सच्चाई क्या है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर आप उसकी गहराई में जाएं, तो जहां भी आपके दर्द है शरीर में, उस दर्द को खत्म करने के लिए शायद मुश्किल से 1 मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़ती, मुश्किल से मैक्सिमम। लेकिन आपको दी जाती है जो टैबलेट, वो 400 mg की होती, 250 mg से नीचे तो ब्रूफेन की कोई टैबलेट बनती नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बीएससी में पढ़ता था, बाद में वो बायो ग्रुप में चला गया और डॉक्टर हो गया, बड़ा भारी डॉक्टर है इस समय वहां, वो काफी कुछ बेसिक रिसर्च का काम करता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि अगर मुझे शरीर में 1 mg की ब्रूफेन की जरूरत है मेरे पेन को खत्म करने के लिए, और मैं खाता हूँ 400 mg की टैबलेट, तो क्या होगा? तो उसने कहा सिंपल सी बात है, 399 mg जो तुम्हारे शरीर में चला गया, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन तुम्हारा डॉक्टर तुमको बताएगा नहीं कि वो जो एक्स्ट्रा चला गया वो क्या गड़बड़ करने वाला, और वो गड़बड़ जब शुरू हो जाएगी तो तुम दोबारा वापस डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब अब मेरा किडनी फेल होने लगा या लीवर डैमेज कर रहा, तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है दूसरी टैबलेट फिर ले जाओ। तो उसको खा के हो सकता है तुमको ब्रेन हेमरेज हो जाए, तुम भी ऊपर चले जाओगे, डॉक्टर साहब हाथ झाड़ के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, हम क्या करें साहब, दवाई का रिएक्शन हो गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके ऊपर, उनकी दी हुई दवा से मरीज मरता, मर जा, उनसे क्या लेना देना, उनको तो अपनी फीस से मतलब है, उनको अपने पैसे से मतलब। और आप शायद जान के आश्चर्य करेंगे कि जो मल्टीनेशनल इस देश में हाईटेक के नाम पर आते हैं, वो मल्टीनेशनल्स कौन सी दवाएं बना रहे हैं। बॉम्बे में एक बार एक बड़े भारी जज थे जिनका नाम था जस्टिस हाथी, शायद कुछ लोगों ने नाम सुना, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई शक्ति उस आदमी को खरीद नहीं सकती, और ये ठीक ही था। जस्टिस हाथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने, ये जानकारी करने के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो ड्रग्स बेचती हैं उनका पता लगाइए कि उसमें कितनी जरूरी दवाएं हैं, कितनी गैर जरूरी दवाएं। तो जस्टिस हाथी साहब की रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट में 2-3 बार उस पर डिस्कशन भी हुआ, बाद में कूड़े खाने में फेंक दी गई वो रिपोर्ट। वो रिपोर्ट क्या कहती, जस्टिस हाथी ने उस समय कहा कि हिंदुस्तान में जितनी बीमारियां हैं टोटल, उन सारी की सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुल मिलाकर 117 दवाओं की जरूरत है, 117 टैबलेट्स या दवाएं, वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो या टैबलेट्स के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, 117 मेडिसिंस हैं जिनसे आप हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसी में उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में 84,000 मेडिसिंस बिक रहे हैं जो सब की सब बेकार है, जिनकी कोई जरूरत नहीं, और ऐसी बेकार की दवाएं ही आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली हर डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसमें एक ही दवा काम की होती है,
10 दवाएं आपके लिए बेकार है जिनका कोई मतलब नहीं, लेकिन दवा का बिल बने और डॉक्टर का ज्यादा असर पड़े आपके ऊपर। इस देश में तो कुछ ऐसा मानस बना है ना कि सब्जी की तरह से दवाएं खाएं तो बड़े स्मार्ट हैं और कम से कम दवा खाएं तो बेकार हैं आप, कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी का। जिस डॉक्टर के पास जाए अगर 500 रुपए की फीस ले तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, और 10 रुपए की फीस में आपकी बीमारी ठीक कर दे, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह भी कोई कायदे का डॉक्टर। तो उन्होंने एक ऐसा विशियस सर्किल बना दिया है जिसमें आप खाते रहिए रिडंडेंट दवाएं, बेकार की दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। WHO कितनी बार कह चुका है कि हिंदुस्तान में 72,000 से ज्यादा दवाओं को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए, 72,000 मेडिसिन को तत्काल बैन कर देना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल्स उन दवाओं को बेच रहे हैं। मानस में ऐसा बैठा हुआ है कि मल्टीनेशनल तो देवता है, भगवान है, वो लाएंगे तो सारी दवाएं अच्छी ही होने वाली, और आपको मालूम नहीं है कि जो दवाएं वो बेच रहे हैं वो दवाएं उनके अपने देश में बैन की हुई है। हेक्स कंपनी हिंदुस्तान में जितनी मेडिसिन बेचती है वो एक भी मेडिसिन जर्मनी में बिकती नहीं। बायर जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती है वो एक भी मेडिसिन बायर की ना तो जर्मनी में बिकती है ना अमरीका में बिकती। सेंडोज और सीबग आएगी, ये दोनों कंपनियां जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती है एक भी मेडिसिन उनके अपने स्विस कंट्रीज में बिकती नहीं। अमेरिकन लेबोरेटरी जितनी मेडिसिन इस देश में बिक रही है, जॉनसन एंड जॉनसन जो भी मेडिसिन इस देश में बेचता, पार्क डेविस जो भी मेडिसिन इस देश में बेचता, वो अमेरिका में नहीं बिकती, बैन है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो क्लोरमफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिन के कॉम्बिनेशन जो जितनी अमेरिकन कंपनियां बनाती है वो दुनिया के तमाम देशों में बंद है, लेकिन हमारे देश में धड़ल ले सकते। जापान में अभी 3 साल पहले वहां की सरकार ने पैरासीटामोल बैन किया, क्योंकि पैरासीटामोल खा के जापान में करीब 1.5 लाख बच्चे अपंग हो गए, पोलियो के शिकार हो गए, तब से वहां पैरासीटामोल बैन है। यहां क्या है, हर छोटे बच्चे को बुखार में आप ले जाइए डॉक्टर के पास, तुरंत लिख देगा पैरासीटामोल खा लीजिए। ये टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का जहर आपके यहां लाके डंप कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं, आपकी मौत के साथ खेल रहे हैं। और जो टैबलेट का मुश्किल से बनाने में 5 पैसे का खर्चा आता, वो टैबलेट बाजार में 2.5 रुपए की, 2 रुपए 80 पैसे की, 3 रुपए की बिकती, 5 पैसे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रूफेन का। 5 पैसे में बनने वाली ब्रूफेन 2.5 रुपए, 2.75 रुपए, 4 रुपए, और कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए तो और भी बड़े स्तर पर बिकती। और आपको शायद अंदाजा हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप कभी एक होमवर्क करिए, कुछ रिसर्च का काम करिए कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली कंपनियों के प्रॉफिट परसेंटेज थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड परसेंट्स में है, 10-20-50% के मुनाफे नहीं है, 1000% के मुनाफे। जो दवाएं 15-20 रुपए किलो में बनती हैं, उन दवाओं से जब गोलियां तैयार होती हैं तो 200 mg 250 mg की टेबलेट 2.5 रुपए की, 3 रुपए की बिकती, और दवा तैयार होती है 15-20 रुपए में 1 किलोग्राम। बेसिक मेडिसिन तैयार हो जाती है 15-20 रुपए में 1 किलोग्राम, उससे टैबलेट बना के बेच देते हैं 2.5 रुपए में, 3 रुपए में एक टैबलेट, कितने प्रॉफिट परसेंटेज आपको कुछ अंदाजा नहीं है। मैं तो इस काम में लगा हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि आप शायद चुन के आश्चर्य करेंगे कि 1000% के मुनाफे हैं इस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर, 1000 करोड़ रुपया इस देश का बर्बाद हो रहा और आप खा रहे हैं ऐसी जहर दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं। इस देश में कितने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि बूस्ट, हॉर्लिक्स, मोल्टोवा, कॉम्प्लॉन, बॉर्नविटा, इसमें किसी में भी कोई शक्ति नहीं, आप चाहे तो 100 बूस्ट के पैकेट खा लीजिए, अपने बच्चों को खिला दीजिए, कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली। हॉर्लिक्स के 1000 पैकेट खत्म कर दीजिए, कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली, है कुछ नहीं। बूस्ट क्या है, मूंगफली की खली है, गुजराती में जिसको आप मूंगफली की खौड़ कहते हैं, मूंगफली का खौड़ बाजार से खरीद लाइए 15-20 रुपए किलो में मिल जाएगा, और वही बूस्ट के नाम पर बिकता है 180-200 रुपए किलो का। हॉर्लिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, अंग्रेजी में कहें तो मॉल्ट, मॉल्ट का माने ही होता है जौ का सत्तू, चने का सत्तू। लेकिन अगर मैं कहूं किसी से कि जौ का सत्तू खाइए, चने का सत्तू खाएंगे, क्या फालतू की बात कर, हम पढ़े लिखे स्मार्ट आदमी है, जौ का सत्तू खाएंगे, चने का सत्तू खाएंगे, उनसे कहिए हॉर्लिक्स खाइए, हाँ हम सब खाएंगे। और उस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, इट इज मॉल्टेड, मॉल्ट माने ही होता जौ का सत्तू और चने का सत्तू। लेकिन पढ़े लिखे इडियट्स इस देश में बहुत है और उनकी वजह से इस देश में मार्केटिंग है मल्टीनेशनल का। क्यों बिकता है कॉम्प्लॉन, इसलिए नहीं बिकता है कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी है, हाईटेक है, या उसमें कोई शक्ति बिकती मिलती है,
वो इसलिए बिकता है कि टेलीविजन पे एक बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल, और कॉम्प्लॉन क्या है, टिन का डिब्बा। जरा बताइए, टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं। 100% इडियोसिटी पे बिकता है कॉम्प्लॉन, ना कोई शक्ति है ना उसमें कोई टॉनिक, और ये सारे के सारे बेकार के हेल्थ टॉनिक खा खा के हर साल 1000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से हम बाहर भेज रहे, 4.5-5 हजार करोड़ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की वो सारी दवाएं खा के बेच रहे हैं जो दवाएं जहर हैं, और ऊपर से 1000 करोड़ रुपया ये हेल्थ टॉनिक खा के बेच रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटा करती थी, उससे कई हजार गुनी ज्यादा लूट इस समय चल रही है। यही है ग्लोबलाइजेशन, यही है लिबरलाइजेशन, और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी चल चुका है। ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार चल रहा है, अंग्रेजों ने यही चलाया था। आपको शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि ये फ्री ट्रेड शब्द इस देश के लिए नया नहीं है। फ्री ट्रेड शब्द इस देश में सन 1813 से चलता रहा है। 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में डिबेट चल रही है, और वो डिबेट क्या है कि हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी को एक दूसरा एमपी सवाल पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड। तो बिल्वरफोर्स नाम का एक एमपी है जो बड़ा भारी एमपी माना जाता है उस जमाने में, जिसको फादर ऑफ द विक्टोरियन पीपल भी कहते। तो बिल्वरफोर्स जवाब दे रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में सन 1813 में कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के पूरे मार्केट में भर जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडियन कंपनीज का ब्रिटेन की कंपनियों का सब्जुगेटेड हो जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडिया का कोई भी माल ब्रिटेन के बाजार में नहीं बिकना, ब्रिटेन का सारा माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकना। फ्री ट्रेड का माने हिंदुस्तान का सारा रॉ मेटीरियल कच्चा माल ब्रिटेन में आए तो मुफ्त में आए, और उसी से पक्का माल बनकर जाए हिंदुस्तान में बिके, और उसका मुनाफा ब्रिटेन में आए। ये फ्री ट्रेड, ये डेफिनेशन है फ्री ट्रेड की ब्रिटिशर्स लोगों, और उन्हीं डेफिनेशन के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं हिंदुस्तान में? फ्री ट्रेड चलाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए, और 1813 में तो कंपनी सरकार यहां चलती थी तो उसकी मदद से उन्होंने चलाया। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स मेरे पास हैं, जो ब्रिटेन के दस्तावेज मेरे पास, उन पर से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार का 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉलेप्स कराना है किसी भी तरीके। तो उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने? 1813 की डिबेट के बाद कुछ फैसले हुए हैं, जिन फैसलों के आधार पर इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया। सबसे पहला टैक्स इस देश में सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स लगाया। क्यों? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी जो डिबेट चल रही है कि हिंदुस्तान में हमको एक्साइज लगाना है, क्यों लगाना है? ताकि इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश कंपनियों के सामने खड़े नहीं हो सके, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री, हिंदुस्तान में ब्रिटेन का जितना माल आता था उस पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं था, और हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल बनाएंगी उस पर टैक्स लगाओ तो हिंदुस्तानी माल महंगा होगा, ब्रिटिश माल सस्ता होगा। ये फ्री ट्रेड के तहत किया गया। दूसरा, फिर हर एक बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया, और अंग्रेजों ने कितना इनकम टैक्स लगाया? पहले ही बार में 97% इनकम टैक्स इस देश पे लगाया अंग्रेजों। ये 1844 की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा। सेंट्रल एक्साइज लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, फिर लोकल टैक्सेस लगा दिए, सेल्स टैक्स लगा दिए, म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस लगा दिए, ऑक्ट्रॉय अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया। ये आजकल टोल नाका देते हैं ना, ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ, आपका नहीं। जितने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है ये सब अंग्रेजों का बना हुआ, और क्यों बना रहे हैं अंग्रेज? ताकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म किया जाए। और वो कितना टैक्स लगा दिया है 1844 की डिबेट पर से? एक दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया कि अगर 100 रुपए की आमदनी है तो टोटल टैक्स कितना, तो 127-130 रुपए का। और आज आप देख लीजिए, आज क्या है, इससे कोई बहुत भिन्न परिस्थिति नहीं है। इस देश में आजादी के कई साल बाद तक 97% इनकम टैक्स लगता रहा, अंग्रेजों ने चालू किया। क्यों चालू किया था? ताकि आपको बर्बाद कर सकें। और एक बार डिबेट चली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया उन्होंने सबसे पहला, तो कई एमपीज कह रहे थे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पढ़ने में नहीं आता।
तो एक दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया ताकि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पढ़ नहीं सके, और अगर पढ़ नहीं सकेगा तो क्या करेगा, बार बार इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे ही पास आएगा। और आज भी आप देख लीजिए हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कानूनों में से एक है, और मेरे शहर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 40-40 साल की जिनकी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स की, ऐसे एक वकील ने मुझको कहा कि राजीव सच्चाई से मैं तुमको बताऊं कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या, और वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं मुझको कि जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं तो पहली लाइन जब मैं पढ़ता हूं और अंतिम लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं कि पहली लाइन क्या थी, रिकॉल ही नहीं कर पाता। जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया ताकि आप समझ ना सके और आपको बर्बाद किया जाए, तो वो फ्री ट्रेड के नाम पर किया गया, और वही फ्री ट्रेड आज चल रहा है। आज क्या किया जा रहा है, बाहर से आने वाले इंपोर्टेड माल पर सारी ड्यूटीज खत्म की गई और इंडियन कंपनियों को उसी टैक्स के नेट में फंसा के रखा है, तो आपको तो बाहर नहीं होने दे रहे हैं, और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खुले, कई कई कंपनियों को तो 10-10 साल के टैक्स हॉलीडे, 10-10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे, और आपके ऊपर टैक्स के डिपार्टमेंट खड़े रहते हैं छाती पर सवार, तो आप तो खत्म होने ही जा रहे हैं। ऐसे ही खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने इस देश को, 1844 में जो टैक्सेशन का सिस्टम आया इस देश में उसके नतीजे क्या निकले, 1890 तक आते आते पूरी इंडियन इंडस्ट्री कॉलैप्स कर गई थी, कुछ नहीं बचा था इस देश, वो फ्री ट्रेड का नतीजा वो निकला, और आज भी ये जो फ्री ट्रेड चल रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उससे अलग कुछ नहीं चल रहा। आप इसको मानते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है अंग्रेजों के जमाने की, इसमें नयापन कुछ भी नहीं, ये कॉलोनाइजेशन के लिए आई थी वही कॉलोनाइजेशन अब इस देश में फिर से उनको लाना, और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। मैं नहीं कहता, एक दो लाइन में सम अप कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी भयंकर तेजी से बढ़ गई, ILO की रिपोर्ट, और हर साल अगर 40 लाख बेरोजगार हुए हैं तो 6 सालों में करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, ये एक बाजू। दूसरे बाजू में हमारे देश के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कि लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में 7 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए, पहले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब 31-32 करोड़ थी, अब 38-39 करोड़ पहुंच गई है, माने 40 करोड़ पहुंच गई, और वो 40 करोड़ लोगों की गरीबी का कलम क्या है आप सुन नहीं सकते, उनमें से 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में 50 पैसा खर्च नहीं करते, और 10 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में 1 रुपया नहीं है उनके पास खर्च करने, और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं, ये लिबरलाइजेशन किसके लिए हुआ, और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि अभी और 20 साल इंतजार करो तब लिबरलाइजेशन के परिणाम आएंगे इस देश, माने और 20 साल में डूब जाओ कुछ नहीं बचेगा जब बाहर निकलने के लिए, वो कहा जा रहा है इस देश में, पहले कहते थे कि 2-3 साल इंतजार करो, अब 2-3 साल होते होते 20 साल पहुंच गया इंतजार, कब तक इंतजार करें लिबरलाइजेशन के परिणाम आने का, हम तो देख रहे हैं कि जिन देशों ने लिबरलाइजेशन किया उनमें से बाहर निकलता हुआ तो कोई नहीं दिखाई देता, सब डूबे हुए दिखाई देते, और जिन देशों में तरक्की हो भी गई है तथाकथित रूप से अगर हम साउथ कोरिया का उदाहरण लें या चीन का उदाहरण लें तो कैसे हो गई है, उसका सबसे गोल्डन रूल उनके यहां है कि उन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं, और जिन जिन देशों ने अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं उन देशों को नतीजे मिले, हमारे यहां तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको कैसे बर्बाद कर दिया जाए इसी के लिए कैंपेन चल रहा है रात दिन टेलीविजन, बचत कैसे बढ़ाई जाए कैंपेन इसका नहीं है, ये खरीदो वो खरीदो ये ले आओ वो ले आओ, इसमें सेविंग्स कहां होने वाले, खर्चा होने वाला है सारा, तो जिन जिन देशों ने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं वही देश कुछ पा पाए हैं, कुछ कर पाए हैं, कुछ खड़े हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आप तो लगातार अपने सेविंग्स को बर्बाद करने का काम कर रहे, लिबरलाइजेशन नहीं उसकी उल्टी दिशा में आप जा रहे, और ये आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा,
इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछे कि आप क्या कर रहे थे जब ये सब चल रहा था। मैं मेरे पिताजी को पूछता कि आप क्या कर रहे थे जब ये सारा नाटक चल रहा था हिंदुस्तान में आजादी के समय, तो एक ही जवाब देते हैं कि उस समय उतनी अकल नहीं थी, अपने अपने धंधे में लगे हुए थे। शायद यही जवाब अगर आप देंगे आने वाली पीढ़ी को तो वो आपको माफ नहीं करने वाली, क्योंकि सिर्फ आपका धंधा नहीं है, उससे बड़ा देश है, उससे बड़ा समाज, उससे बड़ा पूरा का पूरा समूह। और ये देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो आप कहीं नहीं रहने वाले। और आप तो वैसे ही बर्बाद होने जा रहे हैं, भगवान न करे ऐसा हो, आप होने जा रहे हैं। 6-7 फर्में आ गई हैं अकाउंटेंट, आपके सबके खड़े करने वाली हैं आपको सड़क पे। विदेशी कंपनियां आ गई हैं इस देश में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्में इस देश में आ गई। और ये बात मुझे जयंत भाई बता रहे थे कि 6 फर्में आ गई, उनके धंधे चालू हो गए, और उनके धंधे चालू हो गए तो आपके बड़े बड़े 30 मार्क सड़क पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर अभी भी सोते रहे तो हो सकता है आप सब सड़क पे खड़े दिखाई दे। तो मैं कहता हूं देश बचाने की लड़ाई आप लड़े न लड़े, लेकिन अपने आप को तो बचाने की लड़ाई लड़िए कम से कम। आप बर्बाद होने जा रहे हैं इस देश में, लॉयर बर्बाद होने जा रहे हैं, क्योंकि अब विदेशी फर्में आ रही हैं जो इस देश में कानून का धंधा करेंगी। उसके लिए परमिशन मिल गई है, विदेशी कंपनियों को हर क्षेत्र में परमिशन मिल रही है। तो वकील मरने जा रहे हैं, आप मरने जा रहे हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं इस देश में सब एक दिन सड़क पर खड़े दिखाई देंगे अगर आप अभी सोते रहेंगे तो। एक वाक्य है अंग्रेजी में, आइदर यू प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पेरिश्ड। कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास, इसलिए कुछ करिए। और कुछ करिए तो क्या करिए, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सके तो छोटे छोटे काम करिए, बड़े काम आप नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करिए। कि जब आपको पता चल जाए कि सामने आपका दुश्मन खड़ा है आपको मारने के लिए, तो कम से कम इतना काम करिए कि दुश्मन को अपनी शक्ति देना बंद कर दीजिए। सच्चाई ये है कि अपने दुश्मन को पैसा हम ही दे रहे हैं, हम ही पेप्सी पीते हैं ना, हम ही कोका कोला पीते हैं, हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को, हम ही कॉलगेट खरीदते हैं, हम ही क्लोजअप खरीदते हैं, हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को, हम ही बाटा का जूता पहनते हैं, हम ही अपना पैसा देते हैं अपने दुश्मन को। तो अपने दुश्मन को हम खुद हमारे घर से पैसा दे रहे हैं, ये देना बंद कर दीजिए। कम से कम एक काम करिए तो अपने घर में सारे विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद कर दीजिए। दूसरा छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन विदेशी कंपनियों के जो शेयर्स अगर आपने कहीं खरीद रखे हो तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ही के पैसे से आपको मारने का काम करते हैं। तो उनके शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए, डिवेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए। और तीसरा एक छोटा सा निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे खतरनाक पहलू है कल्चरल कॉलोनाइजेशन, टेलीविजन के माध्यम से जो चल रहा है, GTV, CNN, ATN, स्टार TV, प्राइम स्टार, ESPN, 14-15 चैनल्स इस देश में आए हैं, सब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आए। और आपके घर घर में जो सत्यानाश हो रहा है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, यूरोप में तो दिखाई देने लगा। 10-15 दिन पहले एक खबर आई थी ब्रिटेन की, 11 साल का बच्चा बाप बन गया है ब्रिटेन, ये खबर है ब्रिटेन की, मेरी नहीं है, उनके देश की। और 15 साल की उसकी पत्नी है जो माँ बनी। तो 11 साल के बच्चे अगर बाप बनना शुरू हो जाए और 15 साल की बच्चियां अगर माँ बनना शुरू हो जाए तो खतरे समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के क्या हो सकते हैं। ये टेलीविजन जो आपके घर में भेज दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहा, ये आपके घर का सत्यानाश कर रहा। और इस टेलीविजन ने अमरीका के तमाम बच्चों को पहले ही बर्बाद कर लिया, यूरोप में भी बर्बादी आई। 17-18 देश मैंने देखे हैं यूरोप के, सामान्यतः हर देश में जाता था, वहां के सोशल साइंटिस्टों से जब भी मिलता था तो एक ही प्रश्न पूछता था कि आपके देश की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्या है। तो सामान्यतः हर जगह एक ही जवाब मिलता था कि राजीव भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10-12 साल की बच्ची माँ बन जाती और शादी करने के पहले कम से कम 8-10 एबॉर्शन हो चुके होते। हमारे यहाँ मालूम नहीं है कि शादी करते समय जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो प्यूरिटन है कि नहीं, उनके यहाँ उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा और परिवार खत्म हो गया। और वो कहते थे कि हमारे बच्चों का बचपना खत्म हो गया है, हमारे बच्चे बचपन में ही जवान हो गए, ये बहुत सीरियस बात है। और ये सब कुछ हुआ है टेलीविजन के चक्कर में। अमेरिका में क्या हुआ है, मेरे दो दोस्त हैं, इस समय अमेरिका में एक कमीशन काम कर रहा है, कमीशन फॉर सिविक रिन्यूअल, बिल क्लिंटन ने उसको बनाया, उसमें दो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट भेजी है, उसकी एक ही लाइन में आपसे शेयर कर रहा हूं। 90 मिलियन अमेरिकन यूथ आर स्पॉइल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा। 9 करोड़ अमरीकी बच्चे बर्बाद हो गए टेलीविजन और सिनेमा के चक्कर। और उन 9 करोड़ बच्चों में से 3 करोड़ बच्चे तो 100% सिज़ोफ्रेनिक हो चुके, पागल हो गए। उसी रिपोर्ट का एक दूसरा पार्ट है जो ये बताता है कि अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट चिल्ड्रन होते हैं हर साल, 6.5 लाख बच्चे वहां कक्षा 9 में फेल होते हैं हर साल, 6.5 लाख स्टूडेंट्स 9th में फेल होते हैं और इतने ही स्टूडेंट 10th में फेल होते हैं। पिछले 10 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक भी टॉपर नहीं निकला है जो अमरीका का हो, 9 अमेरिकन वहां की यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बन के निकल रहे हैं। कारण क्या है, टेलीविजन ने सत्यानाश कर दिया।
वो टेलीविजन आपके घर में भी आ गया है और आपके बच्चों को बचपन से सिखा रहा है चोली के पीछे क्या है, चीज बड़ी है मस्त मस्त। ऐसे उल्टे सीधे गाने सीख सीख कर आपके बच्चे जवान हो रहे, तो सोचिए कि क्या बनेंगे। पर चलते चलते बस एक बात कह रहा हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बच्चा था जिसने एक दिन हरिश्चंद्र का नाटक देखा। हरिश्चंद्र का नाटक देखने के पहले मोहनदास करमचंद गांधी झूठ भी बोलता था, चोरी भी कर लेता था कभी कभी, ये उन्होंने लिखा अपनी बायोग्राफी। लेकिन उसके बाद जिस दिन उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा उसी दिन कसम खाई कि आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा और जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पर चलूंगा। तो हरिश्चंद्र का नाटक देखकर अगर कोई बच्चा महात्मा गांधी हो सकता है तो आजकल के ये तारा स्वाभिमान जैसे सीरियल देखकर आपके बच्चे क्या बनेंगे, जरा सोचिए एक मिनट के। और जो डिश एंटीना आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है, जो केबल कनेक्शन आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है, हो सकता है एक दिन ये आपके घर में आग लगा दे, वैसी ही जानकारी आपको आपके घर में मिले जो ब्रिटेन में मिल रही। और देर हो जाए उससे पहले जरूरी है कि आप चेत जाएं। और तब मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं तो अपने अपने घर का टेलीविजन ऑफ कर दीजिए, डिश एंटीना का कनेक्शन काट दीजिए, शायद आपके घर में ज्यादा शांति आएगी, ज्यादा सुकून आ जाएगा, आपके बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकेंगे। आजकल क्या है, दादी बच्चे दोनों बैठ के टीवी देखते हैं, ना दादी बच्चे को कहानी सुनाती है ना बच्चे को दादी से कहानी सुनने की फुर्सत है, और बिना कहानी सुने बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता। कहानी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो टीवी बंद कर दीजिए और अपने अपने बच्चों को चुन चुन कर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, हो सकता है वो इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई में आपसे कुछ मांगने आया हूं, वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा भी नहीं, किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सब पार्टियां देश के हित में नहीं, एकदम देश के खिलाफ काम कर रही है अपने स्वार्थ के लिए। आपसे कुछ चाहिए और आपके मन का संकल्प चाहिए, एक संकल्प आप मुझे दें बी इंडियन एंड बाय इंडियन का, और दूसरा संकल्प दें अपने अपने घर के टेलीविजन स्विच ऑफ करने का, शायद हम ये लड़ाई जीत जाए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रश्मिन संघवी छोटी सी बात करना चाहते हैं। ये ऑडियंस में ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, तीन चार फ्रेंड्स के सिवाय। आपको शायद पता होगा कि मैं, जो तीन चार लोग हैं उनको पता है, आपको ज्यादा पता नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है और 89 में मैंने पहले, शायद बंबई में पहले मैंने लिखा था आर्टिकल कि फेरा शुड बी स्क्रैप्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल लेना चाहिए। मेरा एम्फसिस हमेशा इस बात पर रहा था कि भारत के कायदे भारतीयों को जकड़े रखते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस दूर होने चाहिए। जब 91 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फेरा इज बीइंग लिबरलाइज्ड, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है, तभी मुझे पहले शौक ये लगा था कि इंडियनों को लिबरलाइज करने के बजाय एनआरआई और फॉरेनर को लिबरलाइज करा जा रहा है, उन्हें ज्यादा लिबर्टीज दी जा रही है, नहीं कि हमें। ये सिलसिला चालू रहा है। मैं एक चीज बताऊंगा कि इसे कहते हैं पैराडाइम कॉन्स्पिरसी, एक षड्यंत्र जिसमें लोगों के विचार करने की शक्ति कुंठित कर दी जाती है या तो उसे बदली दी जाती है। और इसका एक उदाहरण है, जैसे उन्होंने हमारे पर 200 साल से लाद दिया था जो आज भी हम उससे छूट नहीं सके, कि व्हाइट स्किन वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका जन्म ही हुआ है दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए। ये जब हम गुलाम थे तभी भी मान रहे हैं और आज भी हम जब अगर व्हाइट स्किन वाले को देखें तो उसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर 1.5 घंटा मैं भी बोल सकता हूं, क्या क्या कॉन्स्पिरसीज हो रही है। मैं खाली 2 मिनट के लिए इतना ही कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट में, रिजर्व बैंक में बहुत ही सीनियर लोगों से मिला और 10 अफसर में एक अफसर तो ऐसा होता ही है कि जिसे अपने दिल में भारत देश के लिए लगाव है और ये लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्पिरसी अमेरिका कर रहा है जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक उनके साधन है और ये कॉन्स्पिरसी के कारण अपने ऊपर अबजों रुपए के लॉस लादे दिए जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैगजीन में दिए हुए हैं। 91 जून में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके पहले रुपये की कीमत थी $18 per dollar, आज उसकी कीमत हो गई ₹36। अगर हम खाली सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल फिगर लेते हैं कि
वो टाइम पे अपना फॉरेन एक्सचेंज डेट समझो 82 बिलियन डॉलर था, आज वो 100 अबज से ज्यादा है, 120 अबज डॉलर है, गवर्नमेंट डेट और फाइनल प्राइवेट जीडीआर एडीआर वगैरह ले लेंगे तो। मगर सिंपल फिगर लीजिए, 100 अबज डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट है, वो जब 18 रुपये था तभी हमें 1800 अबज रुपये का ऋण चुकाना था, जब रुपये की कीमत 36 रुपया हो गई तो 3600 अबज हमें चुकाना है। अगर हम एक पैसा भी ज्यादा लोन नहीं लेते हैं फिर भी हमारी लोन डबल हो गई। और ये सिंपल एग्जाम्पल है कि एक गरीब देश से पैसे वाले देशों में पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा है, मुझे बहुत दुख है कि बहुत ही कम लोग ये समझते हैं, बहुत ही कम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार है। इसे फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन भी किया है मगर उसे कौन पढ़ता है। और ये चीज पर मेरी बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है और उनका कहना है यस ये अमेरिकन कॉन्स्पिरसी है कि अमेरिकन करेंसी का रिवेल्युएशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्रीज का करेंसीज का डिवेल्युएशन होना चाहिए और इसी से अमेरिका में वेल्थ ट्रांसफर होती है। बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि राजीव जी जो कह रहे हैं वो सच हकीकत है। उन्होंने जो ये भी कहा कि हम भारत में एडियटों की मेजोरिटी है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता है वो चुपचाप सहन करते हैं क्योंकि ये हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो आज हम सफर कर रहे हैं और जब भी भारत पर तकलीफ होगी तो लॉर्ड कृष्णा आ जाएंगे हमें बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ये फिलोसॉफी पर नहीं चल सकता है देश, राजीव जी जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहिए और अगर हम खुद एक्टिविस्ट नहीं बन सके तो इनकी मदद करने की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग जवाब मैं देना चाहता हूँ। एक बार यही प्रश्न मैंने एक जापानीज से किया था, मैं शायद 91 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो एक जापानीज साइंटिस्ट थे उनसे मैंने सवाल किया कि आपका देश बर्बाद हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में और आपके ऊपर दो एटम बम गिराए थे, आप कैसे वापस निकले उसमें से बाहर? आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर दिया था, टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया था, अमेरिकन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था क्या, यूरोपियन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था, कैसे आपने डेवलप किया? ये प्रश्न मैंने उनसे किया तो उसने जो जवाब दिया वही मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने कहा कि जापान को खड़ा करने में ना तो विदेशी पूंजी का कोई योगदान है, ना विदेशी टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है, ना विदेशी कंपनियों का कोई योगदान है, जापान को हमने खड़ा किया है अपने संकल्प से और आत्मशक्ति से। जो उसने जवाब दिया वो मेरे दिल को इतना छू गया। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ मार्क देने का काम करो तो विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी कंपनियां, इन सबको मैं सबसे आखिरी स्तर पे रखूंगा, पहली बार अगर मुझे चूज करना पड़े तो आत्मशक्ति और संकल्प, ये दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं देश को बनाने में, ये जापानीज लोगों में है। और जापान का फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कैसे जापान में 1950 से 70 तक स्वदेशी आंदोलन चला। बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान में 1950 से 1970 तक एक आंदोलन चला जिसका एक ही मुहावरा था, बी जापानीज एंड बाई जापानीज। उसमें टागुची नाम का एक बड़ा भारी नेता था, उसी ने मुझे बताया कि टागुची का जापान में उतना ही सम्मान है जितना हमारे यहाँ महात्मा गांधी का। टागुची करता क्या था? अमेरिकन कंपनियों के सामान को अगर कहीं देखता था जापानीज बाजार में तो भड़क जाता था और वो कहता था कि हम जापानीज लोगों को मर जाना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत अमरीकी सामान खरीदने के। इस तरह का उसने देश में एक तरह का सैलाब खड़ा कर दिया और जापान आज जो है वो उसी का परिणाम। ऐसे ही जर्मनी फ्रांस को, फ्रांस में तो मैं अभी भी देखता था जिन दिनों में मैं फ्रांस में रहता था, बच्चों को बचपन से वहां फ्रांस में क्या होता है, स्कूल्स में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं हर ब्लैक बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा रहता बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच बचपन से, और वो फ्रांस भी ऐसे ही खड़ा हुआ। फ्रांस को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है चार्ल्स द गॉल का। चार्ल्स द गॉल 1945 के बाद जब प्रेसिडेंट बना तो उसने पूरे फ्रांस को उल्टा कर दिया। क्या क्या किया उसने? फ्रांस को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका चार्ल्स द गॉल मानता था किस चीज की है? टेलीविजन की। 1926 में फ्रांस में टेलीविजन आ गया था और आप शायद जानते होंगे कि 1914 और 1917 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें फ्रांस एक विजेता था, फ्रांस की शक्ति थी। वही फ्रांस 1945 में पिट गया जर्मनी से, तो चार्ल्स द गॉल हमेशा उसका एनालिसिस करता था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों विजेता थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों हार गए। तो वो एक ही जवाब देता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इतने मस्त हो गए कि फ्रांस को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा। वहां सबसे पहला काम पब्स खुले, शराब के अड्डे खुले, फिर कैसीनोज खुले,
फिर जुए के अड्डे खुले, उसके बाद नाटक कंपनियां खुली, सिनेमा, और 1926 में टेलीविजन भी आ गया। तो उसके बाद फ्रांसीसी पीढ़ी पूरी की पूरी उसी में डूब गई। 45 में जब जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर, तो विद इन सम आवर्स पूरा का पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया गया। चार्ल्स द गॉल ने कसम खाई थी कि जब अगर मैं कुछ करूंगा तो सबसे पहला काम सिनेमा घरों में आग लगाऊंगा। 45 के बाद चार्ल्स द गॉल प्रेसिडेंट बना, सबसे पहला काम उसने सिनेमा घर तोड़वा दिए सबके साथ। दूसरा काम उसने टेलीविजन का प्रसारण बंद करा दिया। तीसरा काम जितने कैसिनोज और पब्स खुले थे सब बंद करा दिए, और फ्रांसीसी लोगों में एक जुनून पैदा किया फ्रेंच कल्चर के प्रति। जो पूरी की पूरी पीढ़ी अमेरिकनाइज हो गई थी, जर्मन का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया था फ्रांस पे, उसको उसने 10-15 साल में बिल्कुल खत्म कर दिया। और आज फ्रांस है, आज भी फ्रांस में एक भी अमेरिकन टेलीविजन कंपनी का कार्यक्रम आता नहीं। हमारे यहाँ कई लोग ये बहुत इडियोटिक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि हम ऊपर से आने वाले उनको रोक नहीं सकते ट्रांसमिशन को। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर के नाते कह रहा हूं कि हर हम रोक सकते हैं। फ्रांस रोकता, उनके दो सैटेलाइट रात दिन यही काम करते हैं कि अमेरिका से जो भी वेव्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, उन्हीं को खत्म करने का काम करता है। तो घुस नहीं पाता एक भी अमेरिका का कोई कार्यक्रम फ्रांस की टेरिटरी में। हम भी कर सकते, उन्होंने वो किया और उसके बाद वो खड़े हो गए। आज भी फ्रांस में बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच का जबरदस्त जुनून है। और ताजा उदाहरण मैं दू रूस का, रूस बर्बाद हुआ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में 1986 में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। नतीजे निकले, एक देश खंड खंड टूट गया। अब रूस को फिर से खड़ा कर रहे हैं कौन? जिर्नोवस्की नाम का एक बड़ा भारी नेता है रूस में, शायद आपने उसका स्पीच सुना हो। अगर उसका स्पीच सुना हो तो मेरे स्पीच और उसके स्पीच में कोई फर्क नहीं। अंत में वो भी यही कहता है, रूस को अगर बचाना है तो बी रशियन एंड बाई रशियन। जब जिर्नोवस्की यहाँ हिंदुस्तान में आया, 3 दिन रहा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उससे पूछा कि टूटे हुए रूस को कैसे जिंदा करोगे? तो उसने कहा कि संकल्प शक्ति से, ना विदेशी पूंजी से, ना विदेशी टेक्नोलॉजी से, ना विदेशी कंपनियों से, संकल्प शक्ति से रूस को खड़ा कर देंगे। और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको लगे कि रूस फिर से एक हो गया। बोरिस येल्सिन भी अब उसी के कहे पर चल रहा है। बोरिस येल्सिन ने भाषण देना शुरू कर दिया, वो भी कहते हैं बी रशियन एंड बाई रशियन। तो मुझे लगता है कि ये सारे देश जो आगे आए और हम नहीं आ पाए, उसमें यही एक बेसिक फर्क है, और कोई दूसरा फर्क मुझे नहीं लगता। बस सिंगल सा ऑब्जेक्टिव है जो रश्मिन भाई ने कहा ना, अमेरिका और यूरोप के देश ये मानते हैं कि वाइट मैन्स बर्डन है हम दुनिया के गरीब देशों पे राज करें। तो पहले राज करने के लिए सेनाएं भेज देते थे, आर्मी भेज देते, अब राज करना उस तरह से आसान नहीं है। तो अब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि वहां की सरकारें हमारे ही इशारों पर अगर चलें तो हमको आर्मी भेजने की जरूरत नहीं। वहां की पुलिस, वहां की मिलिट्री अगर हमारे लिए काम करे तो हमें हमारी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं। तो अमेरिका आज भी उसी मानसिक उसमें अवसाद में घिरा हुआ है कि हमको सारी दुनिया पर राज्य करना। पहले यूरोप इसमें घिरा हुआ था, अब अमेरिका घिर गया। तो सिंपल सा रीजन है। दूसरा, एक और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि अमेरिका और यूरोप में जो वेल्थ है, जो रश्मिन भाई ने कहा, इस वेल्थ को टिकाए रखना उनकी मजबूरी है। और इस वेल्थ को टिकाए रखना तभी संभव है जब गरीब देशों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे। जो कंजम्पशन का पैटर्न है अमेरिकन सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में, अगर उतने कंजम्पशन का पैटर्न अगर हम करने लगे तो ये देश सत्यानाशी हो जाए। तो वो कंजम्पशन के पीछे नहीं लाना चाहते। तो आपको एक नए तरह का मुहावरा उन्होंने दे दिया कि तुम तुम्हारी जनसंख्या कम करो ताकि तुम्हारे यहाँ जो रिसोर्सेज बचे उनको हम खाएं। अमरीका कभी भी ये नहीं कहता कि हम हमारे कंजम्पशन को कम करें, वो हमेशा आपको डिक्टेट करता है कि आप अपनी जनसंख्या कम करिए। तो पहला कारण तो मैंने बताया। दूसरा बड़ा कारण है कि उनके यहाँ जो वेल्थ है वो एक्सप्लॉयटेशन पे टिकी हुई, और ये एक्सप्लॉयटेशन अगर बंद हो गया तो अमेरिका कॉलेप्स हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और यूरोप भी कॉलेप्स हो जाएगा। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो उसी कॉलोनियल ऑर्डर को जो चलता रहा है पिछले 500 साल से बनाए रखना चाहते हैं। उसके क्लीशेस बदलते रहते हैं, इडियम्स उसके बदल जाते हैं, कॉलोनियल ऑर्डर वैसा ही चलना चाहिए। तो ये दूसरा जवाब है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अमेरिकन बच्चे बर्बाद हो रहे हैं लेकिन अमेरिका में अभी भी कुछ लोग हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि CIA और पेंटागन में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी टेलीविजन देखता नहीं और देख नहीं सकता। दूसरी बात, CIA और पेंटागन में काम करने वाले किसी भी आदमी को दुनिया के दूसरे देशों के बारे में जो जानकारियां दी जाती हैं वो अमरीका के अपने तरीके की जानकारियां होती हैं, और उनका जो दिमाग फ्रेम किया जाता है, जो स्टील फ्रेम उनका दिमाग बनाया जाता है, वो इसी के लिए कि आपको इन सबको डिस्ट्रॉय करना। तो वो जो कनिंगनेस सिखाई जाती है, मक्कारी सिखाई जाती है,
आपको बर्बाद कर देना है दूसरे देशों को जाके, वो उस लेवल पे चलता है। और अमेरिका में, पूरा अमेरिका नहीं, अमेरिका में अगर मैं मानूं तो उनकी 27 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1% लोग होंगे, मुश्किल से 1%, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते, मुश्किल से 1%, बाकी सारी अमेरिकन प्रजा कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं। 1% लोग हैं जिनमें लॉरेंस समर्स हैं, या बिल क्लिंटन होंगे, या रोनाल्ड रीगन होंगे, या आपके ये क्या नाम है उनका अभी जो वुल्फनसन, ये होंगे, या ऐसे कुछ हो। 1% लोग हैं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में, और वो 1% लोग 50 साल की आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, वो कभी भी दूसरी तरह की चीजें नहीं करते। और उनमें से एक व्यक्ति जो रह चुके हैं, मेरे अपने फूफा जी हैं जो उस नेटवर्क में रहे और अभी वहां से लौट के आए हैं, उनको अकल आ गई, बुद्धि आ गई, भगवान ने बुद्धि दे दी तो लौट आए। तो वो उनसे मैं किससे सुनता हूँ कि ये कैसे सब चीजें चलती हैं, तो वो जब सुनाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। वो कभी दोबारा समय हुआ तो बताऊंगा कि अमेरिका में कॉन्स्पिरेसीज कैसे होती, कैसे बर्बाद किए जाते हैं। बिल्कुल लाना चाहिए, मैं तो इस मत का हूँ, इस मत का हूँ कि इस देश में ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि अगर आपने हिंदुस्तान के पैसे बर्बाद किए हैं साइंटिस्ट बनने में, तो आप बाहर जाइए, पढ़कर आइए, उसके बाद आप वहाँ नौकरी नहीं कर सकेंगे, वापस आके इसी देश में काम करना पड़ेगा। सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया, धंधा, पैसा, पैसे के साथ साथ हो सकता है। आपकी बात सही, एक बात सही है आपकी, उस तरह से अगर आप देखें तो शायद नहीं होगा दुनिया। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं आप मानता हूँ, पैसे से ज्यादा बड़ी बात है मानसिक गुलामी। और वो मानसिक गुलामी क्या है, अमेरिका में जाके ही कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हिंदुस्तान में क्या कमी थी, जो रिसर्च वो कर रहे थे उस रिसर्च को करने में इस देश में कोई कमी नहीं थी, और करी ही ली थी पूरी पूरी, लेकिन मानसिक गुलामी इतनी जबरदस्ती खुराना साहब के मन में कि रिसर्च पेपर वहीं जाके प्रोड्यूस किया, यहां नहीं प्रोड्यूस किया। और फिर एज ए अमेरिकन साइंटिस्ट वो सारी दुनिया में पहचाने जाते। सीवी रमन साहब, उनको कितना ऑफर किया था अमेरिका ने कि आप आ जाइए यहां रहिए, सीवी रमन ने कहा कि मेरे पास जो भी टूटा फूटा ऑपरेटर है मैं यहीं करूंगा, जो करूंगा, तुम्हारे यहां नहीं आने वाला। और ऐसा ऑफर कितने लोगों को नहीं किया। तो ये जो मानसिक गुलामी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, पैसे को मैं सेकेंडरी मानता हूं, मानसिक गुलामी उसमें प्राइमरी है। और इस मानसिक गुलामी में से बाहर लाना ही पड़ेगा लोगों को, और ये तभी आता है जब कोई एक बड़ा कैंपेन चलता है। हो सकता है ये स्वदेशी का कैंपेन अगर इस देश में खड़ा हो तो हम मानसिक गुलामी में से बाहर निकल आए, और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी सफलता होगी अगर हम इस मानसिक गुलामी में से उनको निकाल पाए।